ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। चलो तो आज हम लोग लास्ट डे ऑफ आर मैराथन बैच एंड हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट विल बी योर फेवरेट, जो हम लोग बचपन से हमको इतना अच्छा लगता है, दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप लोग सब तैयार हो, करेक्ट है ना? सो एकदम ध्यान से, आराम से, बहुत सारे टॉपिक्स है इसके अंदर, आपको एकदम मन लगा के सुनना है, समझना है। आज इतना भारी पढ़ाऊंगा ना, इतना भारी पढ़ाऊंगा, ये मैंने बोला आपके बॉडी के अंदर गया, मतलब आज सुपर पावर लेके आया मैं। मतलब मेरे को अभी ये लेट हो गया ना, ये इसके लिए लेट हो गया मेरे को कि अरे मैं रोज पावर लेके आता ना, मैं रोज पावर लेके आता भगवान से, है ना, कि मेरे को आज भारी पढ़ाने की क्षमता दो। सो आज जो अभी अपन पढ़ने वाले ना, गजब। सो अभी आपको क्या करना है, आंसर्स वगैरह कुछ देने हैं क्या? नहीं, आपको मस्त एकदम आराम से प्रवचन को सुनना है, बराबर के नहीं, और एकदम सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने बॉडी में उतारने हैं। बोलो राधे राधे, वेरी गुड। चलो तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो हम लोग अभी एकदम आराम से ध्यान से सुनना, एक एक कॉन्सेप्ट अपने को पढ़ना है एकदम ध्यान से। सो अगर आपकी जो भी वर्चुअल में देख रहे हैं, अगर उनकी अगर कोई भी इच्छा होंगी लिखने की तो लिखते जाओ, बट मेक श्योर आप जो भी मैं बोल रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट्स आप पूरे अच्छे से सुन रहे हो करके। ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट्स लाइक वी से इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ओज इट्स ओरिजिन टू द ग्रीक वर्ड, दैट ग्रीक वर्ड इज नोन एज व्हाट? इकोनोमिया। So economics is derived from the Greek word. That word is economia. पूछते हैं कि आखिर ऐसा word का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है household management. Household management. The question comes, sir, why do we need to manage something? The answer is simple, because human wants, these human wants are unlimited, and the means to satisfy those wants, these are limited. Kehte hai, it is not only limited but also has the alternative uses. Theek hai. So therefore, like, we are forever forced because of this We are forever forced to make choices. We are forever forced to make what? Choices. So इसके लिए ये select करे या वो select करे, हम लोग क्या है, अटक जाते हैं, बराबर के नहीं। So ये बात होने के बाद हम लोग economics की अगर बात करें तो economics के अलग अलग डेफिनेशंस दिए गए हैं। सो व्हाट आर दिस डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स? सो देर आर हाउ मेनी डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स? फोर, मेन फोर डेफिनेशंस। फर्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय एडम स्मिथ। गिवन बाय हुम? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की अगर बात करें, सो इन द ईयर 1776 ही पब्लिश्ड अ बुक, द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, एंड हिज डेफिनेशन वॉज एन inquiry into the nature and causes of wealth of nations. He started with this concept, therefore Adam Smith is known as the father of modern economics. क्या कहते हैं उसे? पप्पा ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, ये है एडम स्मिथ, इसने ये डेफिनेशन दिया। इसके डेफिनेशन के अगर हम लोग फीचर्स देखें,
सो फीचर्स क्या है इसके डेफिनेशन के, तो नंबर वन इट सेज दैट इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. क्या कहता है? इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. मतलब क्या है यहां पे? ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बराबर कि नहीं, आर फेस्ड बिकॉज ऑफ व्हाट? दैट वी डोंट हैव मनी. बट इफ वी हैव मनी, इफ वी हैव वेल्थ, वी कैन सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स. बट दोज प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व टू व्हाट? अ ग्रेटर एक्सटेंट, काफी हद तक सॉल्व कर सकते हैं, पूरा 100% नहीं. नंबर टू, ही ऑल्सो गेव अटेंशन टू व्हाट? टू इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इश्यूज. किसको अटेंशन दिया? अटेंशन टू इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इश्यूज. अब व्हाट इज द इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इश्यू ओवर हियर? द इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इश्यू इज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ. ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ. ठीक है, वापस एक बार बोलो क्या है? प्रोडक्शन, फिर उसके बाद अपन लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, एंड लास्ट में अपने पास क्या है? एक्सचेंज ऑफ वेल्थ. ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम लोग को कोई रिसोर्सेस को कन्वर्ट करके कोई गुड्स को प्रोड्यूस करना है, बराबर, या उन्हें सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और वी हैव टू एक्सचेंज इट फॉर द वेल्थ. ऑल दिस इज पॉसिबल व्हाई? बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ वेल्थ. इफ वेल्थ वॉज नॉट देयर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ वेल्थ वॉज नॉट देयर, देर इज नो पॉसिबिलिटी दैट समथिंग कैन बी प्रोड्यूस्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड और एक्सचेंज्ड. सो एडम स्मिथ देयरफॉर फोकस्ड अपॉन व्हाट? कि द इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इश्यू ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ कुड बी सॉल्व बाय व्हाट? वेल्थ. आई बात समझ में आपको? यस. एंड थर्ड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिज स्ट्रेस वॉज नॉट ओनली ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ बट ऑल्सो ऑन मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ. ही नॉट ओनली फोकस्ड अपॉन हाउ टू क्रिएट द वेल्थ बट ही ऑल्सो फोकस्ड अपॉन मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ, कि हम लोग वेल्थ को कैसे बढ़ा सकते हैं, सिर्फ बनाना नहीं बल्कि उसको बढ़ाना भी, ये उसका फोकस था. ये उसके मेरिट्स थे कुछ खास, बराबर के नहीं, बट यहां पे जो इसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, सो ही गेव स्ट्रेस ऑन द मटेरियल वेल्थ. किसके ऊपर स्ट्रेस दिया उसने? मटेरियल वेल्थ. दिस इज वॉट इज द क्रिटिसिज्म of the Adam Smith's definition. He focused upon the material wealth. See, try to understand, wealth includes what? Your capital, land, building, furniture, fixtures, vehicles, your laptop, mobile phone, money, gold, silver, jewelry, your shares, debentures, bonds. Along with this, it also includes your knowledge, your goodwill, your patent, trademark, copyrights. All these things are what is part of your wealth. Ye meri sampatti hai. But एडम स्मिथ साहब बोलते हैं कि नो, इट इज ओनली अबाउट व्हाट? द मटेरियल वेल्थ. आई डू नॉट कंसिडर द नॉलेज, द गुडविल, द कॉपीराइट्स, द पेटेंट्स एज व्हाट योर वेल्थ. इट इज व्हाट इमटेरियल. आई कैन नॉट सी इट, आई कैन नॉट फील इट, बराबर के नहीं, आई कैन नॉट टच इट. सो देयरफॉर आई डू नॉट कंसिडर दैट एज अ पार्ट ऑफ योर वेल्थ. सो दैट वॉज समथिंग व्हाट क्रिटिसिज्म ऑफ एडम स्मिथ्स डेफिनेशन. एंड नंबर फाइव, ही इग्नोर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ, इग्नोर्ड द वेलफेयर कॉन्सेप्ट. क्या किया उसने? वेलफेयर इग्नोर किया. ही फोकस ओनली ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? ही डज नॉट केयर, बराबर के नहीं, वेदर दैट मनी गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द पीपल और नॉट, ही इज गॉट नथिंग टू डू विद दैट. वो सिर्फ क्या कहना चाहता है? पैसा कमाओ बस, और कुछ मत करो. समाज का कल्याण हो रहा है या नहीं हो रहा, सब में वो पैसा सही तरीके से बट रहा है या नहीं बट रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता. वो कहता है लेट रिच गेट रिचर एंड लेट पुअर गेट बिकम पुअरर, आई डोंट केयर, आई ओनली विल टॉक अबाउट क्रिएशन एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ. दैट वॉज समथिंग विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल, एंड देन इट बिकेम वॉट द डीमेरिट ऑफ एडम स्मिथ्स डेफिनेशन. हियर वी कंप्लीट द फर्स्ट डेफिनेशन गिवन बाय हुम? एडम स्मिथ, राइट. देन आफ्टर दैट we also need to understand ki when we talk about Adam Smith, we need to remember the person who is called as what? J.B. Say, who is the follower of whom? Adam Smith. And he gave the definition, economics is what? A
साइंस विच डील्स विथ वेल्थ. क्या कहा उसने? साइंस दैट डील्स विथ वेल्थ. सही है क्या एकदम? सो दिस इज वॉट इज द एंटायर थिंग. यू कैन सी वी स्पोक अबाउट द डेफिनेशन गिवन बाय एडम स्मिथ. आगे बढ़ सकते हैं यहां से. सिंस ही इग्नोर द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर द न्यू डेफिनेशन केम इन टू पिक्चर. इट वॉज गिवन बाय हुम? आर बिलवेड ए मार्शल. प्यारा सा बेटा. बराबर के नहीं? सो कौन दिया बच्चों डेफिनेशन? अल्फ्रेड मार्शल. सो वेन ही इग्नोर द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर द नेक्स्ट डेफिनेशन द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ वॉट द अल्फ्रेड मार्शल केम इन टू पिक्चर. अल्फ्रेड मार्शल. अल्फ्रेड मार्शल, वेन वी टॉक अबाउट अल्फ्रेड मार्शल, ही एम्फसाइज्ड, दैट इज ही स्ट्रेस्ड, ही एम्फसाइज्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, ही एम्फसाइज्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर. बराबर. वेलफेयर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज वेलबींग. ठीक है ना? सो यहां पे वो कहता है इट इज ऑल अबाउट व्हाट? वेलबींग. कैन यू स्टार्ट द डेफिनेशन गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल? बोलो क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड. बराबर कि नहीं? बोलो यस और नो. यस. सो उसके डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? इकोनॉमिक्स उसका डेफिनेशन क्या कहता है? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड. इट स्टडीज द एंटायर मैनकाइंड. ठीक है? वेयर? तो कहता है इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे द स्टडी इज ऑफ द एंटायर मैनकाइंड मैक्रो लेवल पे. And those mankind will be studied in their ordinary business of life. Their ordinary business of life is to earn money and to spend the money. क्या है उनका ordinary business of life? To spend, earn money and to spend money. This is what we do. Where do we spend our money? So we spend our money on basic things like food. We spend our money on clothing. We spend our money on shelter. Sir, we spend our money on education, right? We spend our money on the very important things, sir, internet. We spend our money on lot of things, sir. And these money when we spend, right, gives us what? A satisfaction, a welfare, right? A feeling of well-being that we are something, we are doing something good. Achha lagta hai. Barabar. So it is a study of mankind in the ordinary business of life. Barabar ki nahi? सो इसमें क्या करता है वो? सो इन दिस इट एग्जामाइंस दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल. इट एग्जामाइंस दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल. यू टेक दैट वन पर्सन, दैट इंडिविजुअल, राइट? इट एग्जामाइंस दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड हिज सोशल एक्शन, एंड हिज सोशल एक्शन. सोशल एक्शन कि वो इंडिविजुअल को आप अगर सोसाइटी में रखोगे तो वो कैसे बिहेव करेगा. सो इट एग्जामाइंस दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड इज सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विथ एंड अटेनमेंट ऑफ क्या है उसका वो? विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विथ विद द अटेनमेंट एंड कनेक्टेड विथ एंड अटेनमेंट विथ द यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग. ये बात हो रही है. सो अब जो ये ब्लैक में लिखा हुआ है
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है यहां पे? सो वो उस इंडिविजुअल को एग्जामिन करता है, कहां पे? जब उस इंडिविजुअल को हम लोग सोसाइटी में रखते हैं तब, और फिर देखते हैं कि उसके एक्शंस कैसे है, सो दैट ही कैन यूज दोज मटेरियल टूल्स. रिक्विजिट्स का मतलब क्या है? टूल्स टू अचीव व्हाट हिज वेलबींग. आई बात समझ में? सो अब यहां पे इसके डेफिनेशन को अगर हम लोग एनालाइज करें, बराबर, सो नो प्रॉब्लम, ही फोकसेस अपॉन व्हाट? वेलफेयर. बट अब यहां पे अगर आप इसके डेफिनेशन के कुछ फीचर्स देखोगे, सो वो कहता है ओके, यू फोकस अपॉन व्हाट? वेलफेयर, बराबर. सो यहां पे वो कहता है इट इज अ स्टडी ऑफ व्हाट? इसके वही डेफिनेशन के फीचर्स है उसके अंदर, बराबर कि नहीं? फर्स्ट पॉइंट कहता है दैट यू आर स्टडिंग द एंटायर मैनकाइंड, इट इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड, नॉट एट माइक्रो लेवल, बराबर. सेकेंड, इट इज इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. सो ऑर्डिनरी बिजनेस वी ऑल नो इज द मेजॉरिटी पार्ट दैट गोज इन वेयर, बुक में जो लिखा है वो फुलफिलमेंट ऑफ इकोनॉमिक नीड्स. क्या कहते हैं? फुलफिलमेंट ऑफ इकोनॉमिक नीड्स, दैट इज द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. एंड वॉट इज फुलफिलमेंट ऑफ इकोनॉमिक नीड्स? अर्न मनी, स्पेंड द मनी, स्पेंड द मनी ऑन दोज वॉट यू नीड, बराबर के नहीं? फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि यहां पे इट इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड, ओके, इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, बराबर. बट यहां पे आप अगर फोकस करोगे, सो यहां पे फिर से वो बोलता है इट फोकस अपॉन व्हाट? द मटेरियल टूल्स, बराबर के नहीं? ही अगेन इग्नोर्स व्हाट? इग्नोर्स इमटेरियल थिंग्स. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय दिस. ही इग्नोर्स इमटेरियल थिंग्स लाइक, बच्चों, द सर्विसेज, लेट अस टॉक अबाउट द सर्विसेज गिवन बाय टू यू बाय योर टीचर. मैं आपका टीचर, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या इससे आपका भला हो सकता है क्या जीवन में? विल यू अचीव वेलफेयर फ्रॉम दिस? यस. द सर्विस इज गिवन बाय डॉक्टर्स. अरे यार, डॉक्टर्स तो भगवान मानते हैं हम लोग, वो हमारी जान बचाते हैं. तो वो कहता है इनकी सर्विस वगैरह ना कोई मटेरियल नहीं है, इट इज वॉट? इमटेरियल. तो इसके लिए इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे. वेयर? वेयर? फॉर द अचीवमेंट ऑफ वेलफेयर. एक्टर्स जो अपने को इतना एंटरटेन करते हैं, अपने बोरिंग लाइफ को एक्साइटिंग बनाते हैं, राइट? सो ये सब एक्टर्स जो अपने लिए सर्विस परफॉर्म कर रहे हैं, वो अपने लिए अच्छा है या नहीं है? है. बट वो कहता है इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. वाओ. एंड उसके बाद वो कहता है यहां पे, कितना होशियार है वो, कहता है मटेरियल तो ठीक है. तो सबको गुस्सा आ गया, फिर सबने क्या कहा, भाई वेलफेयर, वेलफेयर, व्हाट इज वेलफेयर? द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर इज व्हाट? वेरी वेग. नहीं जमता, बोले. कैसे? एक टेररिस्ट बोलेगा मेरे को लोगों को मार के बहुत मजा आया, मेरे को मजा आया, वेलबींग है मेरा, वेलफेयर है. आपको मजा आया क्या मर के? और क्या मारा यार, एक नंबर. नहीं ना सर, सर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है. अ पर्सन हु इज स्मोकिंग, ही मे फील दैट ओके, वाओ, आई एम अचीविंग गुड थिंग्स इन लाइफ, मेरे को बहुत मजा आ रहा है. बट आप बाजू में हो, आपको इरिटेशन होगी, वो स्मेल से ही आपको इरिटेशन होती है, करेक्ट है ना? सो दैट इज व्हाट अ वन थिंग कैन बी सेड टू बी व्हाट? Giving welfare to one, but it is not to other. So the concept of welfare is what? Very vague. Moreover, यहां पे एक indirect चीज है अगर अपन देखे, so Adam Smith focused upon wealth and Alfred Marshall focused upon welfare. But try to understand, to achieve the welfare you need wealth. बराबर के नहीं? You said that you want to earn money and spend the money. That is, you need wealth with you. If you don't have wealth, how can you achieve welfare? So he did not focus upon the wealth directly, but he focused upon the wealth indirectly. That is, in the Adam Smith's definition, priority was given to whom? Priority was given to wealth in Adam Smith's definition. But here in the Alfred Marshall's definition, the emphasis, the priority was given to whom? The emphasis was given on welfare. आई बात समझ में आपको? सो ही शिफ्टेड द प्लेसेस, ही स्विच्ड दोस प्लेसेस. आई क्या बात समझ में आपको? सो एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी टिल हियर? सो दिस इज व्हाट द सेकंड डेफिनेशन गिवन बाय हू? अल्फ्रेड मार्शल. जमा क्या आपको? यस. यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट? एंड देन वी टॉक अबाउट द थर्ड डेफिनेशन.
अब तुम वेलफेयर वेलफेयर इतना वेग वेग बोले जा रहे हो, सो अब तीसरा हीरो आया, कौन है वो? लियोनेल रॉबिन्स। कौन आया दोस्तों? लियोनेल रॉबिन्स। एंड लियोनेल रॉबिन्स ने कहा, ओके इट्स नॉट अबाउट वेल्थ, इट्स नॉट अबाउट वेलफेयर, बट इट इज व्हाट अबाउट स्केयरसिटी। किसके बारे में बोलता है वो? इट इज अबाउट स्केयरसिटी, और लेट अस से वी कॉल इट एज व्हाट? द चॉइस मेकिंग। वी कॉल इट एज व्हाट? द स्केयरसिटी और द चॉइस मेकिंग। सो लियोनेल रॉबिन्स साहब क्या बोलते हैं कि सुनो यारो, मेरे हिसाब से ना इकोनॉमिक्स क्या है, तो वो कहता है मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। क्या बोलता है वो? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। अब व्हाट इज दिस साइंस? अ साइंस इज समथिंग दैट स्टडीज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्या कहता है बच्चों? व्हाट इज साइंस? साइंस इज समथिंग दैट स्टडीज व्हाट? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर ऐसा ऐसा हुआ तो वैसा वैसा होना चाहिए। लाइक अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड गिरनी चाहिए, और अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ना चाहिए, बराबर कि नहीं? यूटिलिटी कम होती है तो डिमांड कम होनी चाहिए। इट इज व्हाट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ऐसा ऐसा हुआ तो वैसा वैसा होना चाहिए। सो लियोनेल रॉबिन्स बोलता है मेरे हिसाब से ना इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, बराबर कि नहीं? उसमें क्या लिखा हुआ है? इट इज अ साइंस विच स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर, बराबर कि नहीं? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। एज अ रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? बिटवीन नंबर वन एंड्स एंड मीन्स हैविंग हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। अब सर ये क्या है, ध्यान से सुनना। व्हेन वी टॉक अबाउट एंड्स वी रेफर टू व्हाट? वांट्स। So remember always, ends refer to wants, means refer to what? Resources. ठीक है? And this we know that our wants are unlimited and these resources are limited. Not only limited, but they also say what? It has got alternative uses. So here what do we see? कि यार ये कहता है यहां पे मैं आपको है ना एक कॉन्स्ट्रेंट देता हूं, एक लिमिट देता हूं। कौन सी लिमिट? कि योर वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड एंड द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ओके, इन दिस अनलिमिटेड वॉन्ट्स एंड इन दिस लिमिटेड रिसोर्सेज व्हाट विल यू सिलेक्ट बेस्ट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेड। द कॉज इज व्हाट? द लिमिटेड रिसोर्सेज। द इफेक्ट इज वॉट यू सिलेक्ट। आपके पास 2000 रुपए है, उसमें से आपको बहुत सारी चीजें करनी है आपकी CA की एग्जाम्स के बाद, आपके CS की एग्जाम्स के बाद, बराबर कि नहीं? आपको बहुत सारी चीजें आपको अचीव करनी है, बट फिर उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा? आपको पापा ने 2000 रुपए दिए, आपको मूवी जाना था, शॉपिंग जाना था, आपको दोस्तों के साथ पार्टीज को जाना था, लंच डिनर पे जाना था फ्रेंड्स के साथ, यू हैव टू डू सो मेनी थिंग्स, बट 2000 रुपीज में सब कुछ पॉसिबल है क्या? नहीं। कुछ कुछ बच्चों की तो इच्छा होती है सर उन 2000 रुपए से हम कुछ पैसा बचा भी ले। मानते नहीं है सर, बचाना भी है थोड़ा। सारे चीजें पॉसिबल है क्या? नहीं। सो इसीलिए आप क्या करते हो, आप सारी चीजें नहीं करते, बट फिर उसमें से आप कुछ चीजें सिलेक्ट करते हो प्रायोरिटी पे। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज व्हाट? चॉइस मेकिंग। दिस इज वेयर द चॉइस मेकिंग पिक्चर कम्स, द चॉइस मेकिंग इफेक्ट कम्स इनटू पिक्चर। आई बात समझ में आपको? सो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स फ्रॉम द लियोनेल रॉबिन्स पॉइंट ऑफ व्यू। आई बात समझ में? बट इसके यहां पे अगर फीचर्स की बात करें ना, अब इसके हम लोग बात करेंगे फीचर्स के। सो एकदम ध्यान से सुनना, इसके फीचर्स क्या है। इसका फीचर सबसे पहले क्या कहता है कि
कि यहाँ पे जो आप बोल रहे हो ना, क्या बोल रहे हो कि इकोनॉमिक साइंस है ऐसा वैसा ये वो, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वी थोड़े इसकी क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है. वी नॉट ओनली फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्केयरसिटी बट ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ अबंडेंस. सही है ना? हमारे यहां सिर्फ स्केयरसिटी का प्रॉब्लम नहीं हो सकता कभी भी, अबंडेंस के वजह से भी तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है ना. बोलो यस और नो. यस. जैसे अपने यहां पॉपुलेशन कम है या ज्यादा है? बहुत ज्यादा है. सो वी फेस दैट प्रॉब्लम. सो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ अबंडेंस. नंबर टू, हिज डेफिनेशन इज व्हाट? स्टैटिक. वो अज्यूम करता है कि टेक्नोलॉजी इज व्हाट? कॉन्स्टेंट. वो अज्यूम करता है कि रिसोर्सेस उस घड़ी उस समय क्या है? कॉन्स्टेंट. बट ही फेल्स टू इग्नोर द फैक्ट. क्या लिखेंगे यहां? ही फेल्स टू इग्नोर. क्या इग्नोर करता है? दैट इकोनॉमी कंटिन्यूज टू डेवलप एंड वी मे फाइंड द न्यू टाइप ऑफ रिसोर्सेस. एक जमाने में इलेक्ट्रिसिटी रिसोर्स वॉज वेरी स्केर्स, सो वी यूज टू यूज इट वाइजली. बराबर. हम लोग घर में फ्रिज एसी नहीं लगाते थे, ठंडा पानी के लिए समाज में मटका यूज करते थे. बराबर के नहीं? बट नाउ वी यूज फ्रिज एसी टीवी, हम लोग सब कुछ यूज करते हैं. वाई? बिकॉज वी हैव फाउंड एन अल्टरनेटिव रिसोर्स फॉर क्रिएशन ऑफ एनर्जी एंड एन अबंडेंट सप्लाई ऑफ दैट, सोलार एनर्जी. बोले यस और नो? सूर्योदय ने कभी मना किया कि मैं नहीं आएगा आज, तुम तुम्हारा देख लो, खेल लो, तुम मेरे को नहीं खेलना आज तुम्हारे साथ, ऐसे कभी बोला गया? नहीं. सो वी हैव फाउंड आउट दोज डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच लियोनल रॉबिन्स फेल टू इग्नोर. हिज डेफिनेशन इज वॉट? वेरी स्टैटिक. आई बात समझ में? एंड अब यहां पे इसने क्रिटिसाइज किया अबाउट वॉट? वेलफेयर. इसने क्रिटिसाइज किया अबाउट वॉट? वेलफेयर. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू विल सिलेक्ट विच थिंग्स. गिवन अ चॉइस कि आपको बच्चों पेन उठाना है या गन उठानी है, आप क्या उठाओगे? बोलो ना. दोनों में बहुत ताकत है, दोनों में बहुत ताकत है. पेन उठाओगे या गन उठाओगे? पेन उठाएंगे. बिकॉज पेन गिव्स यू वेलफेयर. बट कोई बोलता है सर मेरे को गन उठानी है. बराबर कि नहीं? मेरे को उसमें मजा आएगा, ठा 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 मजा. बोलता है मेरे को इसमें मजा आएगा, नुस्ते हेडशॉट सर, नुस्ते हेडशॉट, उसमें मजा आएगा सर. सो इट इज योर कॉल. सो यहां पे ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली वो वेलफेयर की ही बात करता है ना. बिकॉज विच थिंग्स यू विल सिलेक्ट, दो थिंग्स विच विल गिव यू व्हाट? वेलफेयर. इसलिए आप देख रहे हैं क्या? अब वेलफेयर को अचीव करने के लिए क्या चाहिए फिर? वेल्थ. बराबर कि नहीं? इसलिए एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स. वेल्थ के वजह से वेलफेयर हो सकता है, बट वेलफेयर के लिए आपको चॉइस मेकिंग करना पड़ेगा. बात समझेगा आप लोग? बट यहां पे ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे ये बोलता है कि ही इग्नोर्ड द नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इट. सर मतलब क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहां पे वो कहता है इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स. इकोनॉमिक्स इज व्हाट? न्यूट्रल बिटवीन एंड्स. एंड रिमेंबर, बार बार मत बोलने लगाना, एंड्स रेफर टू व्हाट? वांट्स. इट इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, इट इज न्यूट्रल बिटवीन वांट्स. सर मतलब क्या है इसका? सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स मतलब यू सिलेक्ट गन और यू सिलेक्ट पेन, यू सिलेक्ट घी और यू सिलेक्ट बॉम्ब. तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, तुम उसमें क्या करते हो वो तुम्हारा कॉल है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है बॉस. बराबर कि नहीं? इट इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स. बराबर कि नहीं? सो देयरफॉर बिकॉज ऑफ दिस His definition becomes quite impersonal and colorless. मजा नहीं आया इसमें. इसका definition कैसा है? एकदम impersonal and colorless. सर कहना क्या चाहते हो impersonal and colorless मतलब? See, try to understand. अगर मैं आपको बताऊं कि दोस्तों
आपकी एग्जाम्स आ रही है, आपको बहुत पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिकल फिगर्स, अलग अलग डायग्राम, आपकी बहुत वाट लगने वाली है। हो आपको जैसे पढ़ना है आप पढ़ लेना। हो गया मेरा इकोनॉमिक्स पढ़ा के हो गया, तो व्हाट विल यू डू? यू बोलेंगे अरे भाई मालूम है ये सब, हमको भी मालूम है, तेरा काम क्या है, पढ़ाना चुपचाप, काहे को इतना ज्ञान दे रहा। सही है ना? आप यही बोलोगे, अरे भाई मालूम हमको प्रॉब्लम है ये, तेरे लिए पास, तेरे पास इसलिए तो है ना कि तू सोल्यूशन देगा। मैराथन बैच में काहे को बैठा मैं आज, कि आज एक दिन में पढ़ा देगा ना तू, तो काहे को बोल रहा मेरे को ऐसे, आप अंदर से बोल रहे। इन सेम वे में लियोनल रॉबिन्स भी एज कर रहा ना, हमको मालूम भाई ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, नहीं हमको मालूम वो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज है और रिसोर्सेज स्केर्स भी है, करने का क्या आगे, नहीं वो तुम तुम्हारा देख लो, मैं नहीं बताएगा उसका क्या करना है तुमने, वो मैं नहीं बताएगा, तुम तुम्हारा हिसाब लगा लो तुम। अरे क्या फालतू गिरी है ये, फिर समझ रहे ना मेरी बात को? सो ही शुड एक्चुअली गिव अस व्हाट द सोल्यूशन, बट वो कहता है नहीं मैं सिर्फ बताएगा, मैं सिर्फ ऑब्जर्व करेगा, देखो उसने ऐसा किया, हाँ देखो, अरे पागल हो गया क्या? सो देयरफॉर ही मेक्स द डेफिनेशन व्हाट वेरी इम्पर्सनल एंड कलरलेस, उसको कोई मोहमाया नहीं है। आई बात समझ में? फिर इसका गुस्सा आया किसको? अपने हीरो को। कौन है वो? पॉल भाई साहब को। सो पॉल सैमुएलसन आए, और अगर आप उसका अभी कभी गलती से आप डेफिनेशन पढ़ लोगे ना उसका, है ना, फॉर अ चेंज कभी अमन की आज पढ़ लेते। सो पॉल सैमुएलसन का डेफिनेशन है ना, वहां कस्टम का आदमी है रे, एकदम गजब, सबका ना थोड़ा 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 लेके अपना डेफिनेशन बना डाला सबका थोड़ा थोड़ा लिया, अच्छा वेल्थ चाहिए ले लो, फिर उसके बाद अच्छा स्केयरसिटी भी है क्या वो भी ले लो, अच्छा क्या तुम क्या बोल रहे वेलफेयर का, ठीक है आ जा भाई, फिर उसने क्या बोला था स्केयरसिटी में, अच्छा वो स्टैटिक है क्या, चलो इसको डायनेमिक करते, अच्छा फ्यूचर के बारे में, अच्छा ग्रोथ के बारे में लिख दो, एंड ऐसा करके उसने डेफिनेशन का नाम भी क्या दिया, स्टैटिक का अपोजिट डायनेमिक, डायनेमिक एंड व्हाट, ग्रोथ। डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कभी आप इसका डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो मस्त, ग्रोथ के बारे में सिर्फ ना फ्यूचरिस्टिक वर्ड डाल दिए, नाउ एंड इन फ्यूचर, अभी और आने वाले समय में जैसा होगा वैसे तुम डिसाइड कर लेना। आई बात समझ में? तो ये सारे डेफिनेशंस थे इकोनॉमिक्स के, बराबर के नहीं? बातों बातों में बहुत लिख दिया अपन ने, ठीक है ना? सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समरी नोट्स, आगे बढ़ सकते हैं यहां से, बोलो यस और नो? यस। उसके बाद यहां से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब अपन बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में ही, कंटिन्यू करेंगे चर्चा। सो इकोनॉमिक्स के दो बच्चे, कौन से दो बच्चे? एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? ध्यान में रखना, माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रो, एंड मैक्रो इज ऑल्सो डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रो, इट्स नॉट माइक्रो एंड नॉट माक्रो, जुमा के माक्रो नहीं बोलने का, क्या बोलने का उसको? वेरी गुड। सो यहां पे माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल एंड मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, बराबर के नहीं? किसी चीज को इंडिविजुअली स्टडी करना, बराबर के नहीं, इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, बट किसी चीज को टोटैलिटी में स्टडी करना इज कॉल्ड अस व्हाट? माइक्रो। सो यहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो यूज होता है वो थ्योरी यूज होती है, वी कॉल इट एज व्हाट? द स्लाइसिंग थ्योरी, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज व्हाट? द एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स। क्या कहेंगे इसको अपन? एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स। एनी डिफिकल्टी टू क्लियर? नो। अब उसके अलग अलग फीचर्स है, उसके अंदर क्या क्या आता है, तो जो भी अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स थे वो आते हैं, जो भी अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स थे वो आते हैं, वो आप हिसाब से लगा लेना। सही बात है यहाँ पे? सो दिस इज वॉट इज द टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो। उसके बाद इकोनॉमिक्स की अगर और अपन आगे बात करें, सो इकोनॉमिक्स इज एज अ साइंस एंड इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। अब देखो ये सिंस मैराथन बैच है, शॉर्ट शॉर्ट अपन मेन मेन पॉइंट्स सब पे अपन डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस मतलब क्या कहता है? इट स्टडीज एज वी ऑलरेडी डिस्कस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप।
कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है ना। सो यहां पे व्हेन वी टॉक अबाउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करना इज व्हाट वी से इज साइंस, बराबर के नहीं। सो यहां पे साइंस को मतलब क्या बोलेंगे, इट इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, दिस इज व्हाट साइंस, अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, बराबर के नहीं। तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, ध्यान में रखना, इकोनॉमिक्स क्या है दोस्तों, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। बट वन थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज इवन दो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इकोनॉमिक्स इज नॉट अ परफेक्ट साइंस। इकोनॉमिक्स साइंस है बट इकोनॉमिक्स इज नॉट द परफेक्ट साइंस। रीजन क्या है, बिकॉज द इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, किसके ऊपर, ह्यूमन बिहेवियर। इंसान का जो बिहेवियर है ना वो प्रेडिक्टेबल है कि अनप्रेडिक्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल है। द ह्यूमन बिहेवियर इज व्हाट, अनप्रेडिक्टेबल। सो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर इज इटसेल्फ नॉट स्टेबल, हाउ कैन वी कॉल इकोनॉमिक्स एज द परफेक्ट साइंस। सेकेंड, मोस्ट ऑफ द लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स आर ऑल्सो बेस्ड ऑन व्हाट, मनी, एंड द मनी इज इटसेल्फ व्हाट, अ डिपेंडेंट फैक्टर, बराबर के नहीं, ऑन ह्यूमन बींग्स। Therefore, it is also said that economics is not the perfect science. It is science, but it is not the perfect science. Economics is an art. Economics is an art. So, art ka matlab kya hota hai? So, art means practice of knowledge. Kya kehte hai? Art matlab? Practice of knowledge is called as what? An art. And do we actually apply economics? कि हम लोग एक्चुअली यूज करते हैं क्या इकोनॉमिक्स को? यस। सो इसीलिए कहते हैं इकोनॉमिक्स इज साइंस एज वेल एज एन आर्ट। सो इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली साइंस, नॉट ओनली आर्ट, बट इट इज व्हाट, बोथ। आई बात समझ में आपको? बोलो यस और नो। यस। सो ये हो गई बात अपने इकोनॉमिक्स की एज अ साइंस एंड आर्ट। अब यहां से साइंस में जब आते हैं अपन, बराबर के नहीं, तो अब यहां पे साइंस के दो हिस्से, कौन से दो हिस्से, एक है पॉजिटिव साइंस, एक है पॉजिटिव साइंस और दूसरा है नॉर्मेटिव साइंस, एक है पॉजिटिव साइंस और दूसरा है नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस एक सिंपल भाषा में अपन लिखते हैं क्या है, और नॉर्मेटिव साइंस मतलब अपन लिखते हैं क्या होना चाहिए। सर मतलब क्या है इसका? इसका मतलब दोस्तों ये है कि पॉजिटिव साइंस मतलब यहां पे हम लोग लिखते हैं व्हाट इज, एंड नॉर्मेटिव में अपन लिखते हैं व्हाट ऑट टू बी। समझ रहे क्या? व्हाट इज एंड उसमें लिखते हैं व्हाट ऑट टू बी। दैट इज टू से यहां पे हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? हियर वी टॉक अबाउट द फैक्ट्स, वी डोंट पास एनी वैल्यू जजमेंट्स, बट हियर वी पास ऑन व्हाट, वैल्यू जजमेंट्स, कि बाबा ऐसा होना चाहिए। आई बात समझ में आपको? बोलो यस और नो। सो दिस इज द पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। दोस्तों पॉजिटिव साइंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्योर साइंस, पवित्र एकदम। पॉजिटिव साइंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, प्योर साइंस। एनी डिफिकल्टी टू क्लियर? नो। आगे बढ़ सकते हैं यहां से? यस। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स में अगर अपन देखें, सो देर आर टू मेथड्स ऑफ स्टडी। कौन से टू मेथड्स हैं? नंबर वन मेथड इज डिडक्टिव मेथड, एंड दूसरा मेथड जो है वो है
इंडक्टिव मेथड। होता क्या ही है, डिडक्टिव मेथड में द लॉजिक गोज फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, और यहां पे इंडक्टिव मेथड में लॉजिक गोज फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। सब ये है क्या चीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे बिल्ली पसंद नहीं है। ओ सर ऐसे क्या बोल रहे हैं सर, अरे सुनो तो सही। फर्स्ट इफ आई से यार बिल्ली है ना सारा दूध पी जाती है मेरे घर का, उसके बाद उसके फर यहां वहां पड़े हुए रहते हैं, कहीं पे भी पॉटी कर लेती है, फिर उसके बाद सोफा का जो कुशन है उसको स्क्रैच कर देती है। आई डोंट लाइक कैट्स, देयरफॉर आई डोंट लाइक कैट्स। सो फर्स्ट आई गेव यू द जनरल थिंग्स एंड देन आई केम टू अ पर्टिकुलर कंक्लूजन एंड दैट्स व्हाई आई सेड आई डोंट लाइक कैट्स। लॉजिक गोज फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। इंडक्टिव में क्या होता है, पहले आप आपका कंक्लूजन बना लेते हो बराबर कि नहीं, आई डोंट लाइक कैट्स, देन यू गो ऑन ट्राइंग टू प्रूव इट व्हाई यू डोंट लाइक, बराबर कि नहीं। अब जैसे यहां पे बैंगन की सब्जी है या करेले की सब्जी है, बराबर कि नहीं, देखते से मन बना लिया आई डोंट लाइक, फिर मम्मी पूछते अरे क्या इसमें पसंद नहीं आने को, फिर आप जनरल रीजंस देते हैं, बराबर कि नहीं, अरे कलर देखो मम्मी, मैंने सुना है कड़वा होता है मम्मी, बराबर कि नहीं, इससे खाने से कुछ कुछ होता है बॉडी में, इसलिए आई डोंट लाइक। द लॉजिक गोज फ्रॉम व्हाट, पर्टिकुलर टू जनरल, इट इज कॉल्ड एस व्हाट, इंडक्टिव मेथड। आई बात समझ में, सेम वे में फिर लॉज बनते हैं ना मेथड्स ऑफ स्टडी, तो जैसे लॉ ऑफ डिमांड बना, कैसे बना, ये इन्हीं मेथड से, कि लोगों को ऑब्जर्व किया पहले कि प्राइस बढ़ रही है तो लोग डिमांड कम कर रहे हैं, प्राइस कम हो रही तो लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, बस खलास ये लॉ बन गया। थ्रू व्हाट, जनरल देखा अपन ने, फिर उसको पर्टिकुलर लेके आ गए कि एज द प्राइस राइजेस द डिमांड फॉल्स एंड वाइस वर्सा, ऐसे अपन ने लॉ बनाया। जमी क्या बात, बोलो यस और नो। सो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज द टू मेथड्स ऑफ स्टडी, डिडक्टिव मेथड एंड इंडक्टिव मेथड, वेरी गुड। फिर यहां से अपन बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बराबर, दैट इज व्हाट अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ऑल्सो कॉल्ड एज, अरे सर मानते कि नहीं आप आज, ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ठीक है ना। अब एकदम ध्यान से सुनना, सुन रहे क्या आप लोग, बोलो यस और ना, यस। बचपन से पढ़ते आ रहे ना, क्या ह्यूमन वॉन्ट्स कई सारे अनलिमिटेड, एंड जो उसके मीन्स टू सेटिस्फाई वो कैसे है, लिमिटेड। सिर्फ लिमिटेड है क्या सर, वो सिर्फ लिमिटेड नहीं है, अल्टरनेटिव यूजेस भी है ना सर उसके। अब इस वजह से हमें एक प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम कौन सी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बराबर कि नहीं, क्या आती है हमें, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। वो क्या है सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जरा बताओ। वो प्रॉब्लम ऐसा है कि भाई देन ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, मीन्स टू सेटिस्फाई दोज वॉन्ट्स आर लिमिटेड एंड अल्टरनेटिव यूजेस, तो बॉस इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाती है ना कि भैया क्या प्रोड्यूस करें फिर, व्हाट टू प्रोड्यूस, बराबर कि नहीं। फिर उसके बाद द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, फिर उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस एंड प्रोविजंस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, फ्यूचर के लिए क्या करें, प्रोविजंस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। सर प्रॉब्लम है यार, तुम समझ नहीं रहे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई डियर फ्रेंड्स वाई वी फेस दिस प्रॉब्लम, बिकॉज वी कैनॉट सेटिस्फाई
all human wants. And so the problem. Human wants are unlimited. Means to satisfy those wants are limited and alternative uses. So it is sure, for sure, that we cannot satisfy all the human wants. Sare wants ko satisfy kar sakte kya? Nahi kar sakte. So iske liye we face what the economic problem. And what is that economic problem? Ki bhaiya kya produce kare, kaise produce kare, kiske liye produce kare, and provisions for economic growth. Ki sab kuch aaj consume kar le ya future ke liye bhi kuch rakhe. Saving, investment, kuch decide karenge na usme. So this is what is the economic problem. तो इसके लिए क्या होता है? वो कहते हैं चल ना भाई, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? तू सारे wants को satisfy नहीं कर सकता, ठीक है ना? But at least क्या कहे दोस्तों? At least we will try to satisfy maximum wants. बोलो yes or no? At least let's try to satisfy what? मैक्सिमम वॉन्ट्स, इफ नॉट ऑल. चल भाई मैक्सिमम वॉन्ट्स के लिए तो तू फोकस कर लेना फिर, बराबर. तो फिर इसके लिए क्या करना है? तो अज्यूम करते हैं अपन, फर्स्ट अजम्पशंस ऑफ पीपीसी. मान के चलो आपके पास सिर्फ कितने गुड्स है? टू गुड्स. क्यों सर टू गुड्स? वाई टू गुड्स? अरे एक्सिस दो ओनली ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. वो कर्व बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि पीपीसी का अगर डेफिनेशन आप शुरुआत से पढ़ोगे तो मस्त लिखा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व. हमको मालूम ही नहीं था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व दैट रिप्रेजेंट्स, क्या लिखते हैं? टू गुड्स. हाँ, तो टू गुड्स क्योंकि टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बराबर के. नंबर टू, जो रिसोर्सेज है ना आपके पास, रिमेंबर ये रिसोर्सेज है जो आपके पास, ये रिसोर्सेज फिक्स्ड है, बराबर के नहीं? एंड ये रिसोर्सेज आर व्हाट? फुल्ली यूटिलाइज्ड, बराबर के नहीं? फुल्ली यूटिलाइज्ड है मतलब इसका कहीं पे भी अंडर यूटिलाइजेशन भी नहीं है. इनका क्या नहीं है? अंडर यूटिलाइजेशन भी नहीं है. इसके बाद वो कहते हैं दोस्तों, जो तकनीक आप यूज कर रहे हो ना, द टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो वॉट? कॉन्स्टेंट. सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व दैट शोज ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, बराबर के नहीं? विच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वॉन्ट्स. ऐसा है क्या डेफिनेशन? नहीं ना, फिर पढ़ो, इमोशनल हो गए. पढ़ो लाउडली अभी. अरे बुक वुक लाया कि नहीं लाया आप? कि नहीं सर, आपने बोला प्रवचन सुनो, हम तो भैया बहुत ऊपर चले गए सर. पढ़ो लाउड एंड क्लियर. पढ़ना शुभम, लाउडली पढ़. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, विद द लिमिटेड प्रोडक्टिव रिसोर्सेस. सो अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? We want to satisfy maximum wants, correct है ना? मतलब इन सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए, मतलब ये अपने limitations को मद्देनजर रखते हुए अपने को maximum wants को satisfy करना है. मतलब अपने को कैसा produce करना है? Efficiently produce करना है ना, ये बोलो ना. अपने को efficiently produce करना पड़ेगा. फिर सर कैसे करेंगे? तो अलग अलग कॉम्बिनेशन लेते हैं, लिखते हैं यहां पे. बोलो जरा एग्जांपल. कॉम्बिनेशन, उसके बाद क्या है? फूड, उसके बाद है क्लोथिंग, एंड फिर उसके बाद है अपना फेवरेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. कॉम्बिनेशन ए 0 12. आप ध्यान से सुनना, ये हो सकता है क्या कॉम्बिनेशन? क्यों नहीं? If I want, I can put all my resources in production of where? बोलो ना, in production of where? The clothing. मेरे को नहीं लगाने का food में.
దిస్ ఇస్ వన్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అ ప్రొడక్షన్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ బేటా, దిస్ ఇస్ అ ప్రొడక్షన్ పాసిబిలిటీ. నహీ బోల్నే కా నహీ, సారీ నే, కాన్సెప్ట్ కో సమ్జో. వో జో జీరో నహీ హో సక్తా నా, వో ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ మే కన్ఫ్యూజన్ నహీ హోనా, ఇస్లియే ఇస్కో అభీ సమ్జో అచ్చే సే. ప్రొడక్షన్ పాసిబిలిటీ కీ బాత్ కరే, సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఇస్ వాట్ ద ప్రొడక్షన్ కర్నే కీ పాసిబిలిటీ, సంభావనాయే హే ప్రొడక్షన్ కర్నే కీ. మీరు బాత్ సమజ్ రే కే ఆప్ లోగ్, ఇట్ ఇస్ వాట్ ద ప్రొడక్షన్ పాసిబిలిటీ. సో మేరే పాస్ జో భీ అవైలబుల్ రిసోర్సెస్ హే అభీ, జో భీ మేరే పాస్ అవైలబుల్ టెక్నాలజీ హే అభీ, కెన్ ఐ డైరెక్ట్ ఆల్ దోస్ రిసోర్సెస్ ఇన్ ఓన్లీ ప్రొడ్యూసింగ్ క్లోదింగ్ అండ్ నాట్ ఆన్ ఫుడ్? బోలో ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. దిస్ ఇస్ మై కాంబినేషన్ నంబర్ వన్, ఆర్ ఐ సే దిస్ ఇస్ మై పాసిబిలిటీ నంబర్ వన్. బోలో ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. దెన్ ఐ టాక్ అబౌట్ ద సెకండ్ కాంబినేషన్. కొన్స కాంబినేషన్ సెకండ్, దట్ ఈస్ కాంబినేషన్ బి. కెన్ ఐ ప్రొడ్యూస్ వన్ యూనిట్ ఆఫ్ ఫుడ్, సో క్యా హో జాయేగా క్లోదింగ్ మే 11, క్యూ హో జాయేగా? ట్రై టు అండర్స్టాండ్, బికాస్ వీ నో ఆర్ రిసోర్సెస్ ఆర్ వాట్, ఆర్ రిసోర్సెస్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ అండ్ దే ఆర్ ఫుల్లీ యూటిలైజ్డ్, సో కహీ పే భీ ఎక్స్ట్రా రిసోర్సెస్ హే నీ. అండ్ హమ్నే యే భీ పడా థా కి రిసోర్సెస్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ మత్లబ్ దే ఆర్ వాట్, దే ఆర్ కాన్స్టెంట్, దే కెనాట్ బి ఇన్క్రీజ్డ్, ఆర్ జో భీ యూజ్ హో రా హై వో ఫుల్ కెపాసిటీ పే యూజ్ హో రా హై, అండర్ యూటిలైజేషన్ భీ నహీ హై, బరాబర్ కే నహీ? సో అగర్ మేకో మేరే ఎగ్జిస్టింగ్ రిసోర్సెస్ అగర్ ఫుడ్ పే షిఫ్ట్ కర్నే హై, తో ఆటోమేటిక్లీ క్లోదింగ్ కా ప్రొడక్షన్ క్యా హో జాయేగా? కమ్ హో జాయేగా. క్యూ? క్యూకి క్లోదింగ్ కే లియే జో రిసోర్సెస్ లగ్నే వాలే హై వో రిసోర్సెస్ కమ్ హోంగే యా జ్యాదా హోంగే? అరే క్లోదింగ్ కే లియే జో రిసోర్సెస్ హోంగే వో కమ్ హోంగే జ్యాదా హోంగే? కమ్ హోంగే నా? బోలో ఎస్ ఆర్ నో? తో లాజికలీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? దిస్ క్లోదింగ్ కా ప్రొడక్షన్ విల్ గో డౌన్. ఆ బాత్ సమజ్ మే ఆపే? ఎస్. బట్ విల్ వి గో టు ప్రొడక్షన్ పాసిబిలిటీ బి, కాంబినేషన్ బి, విల్ వి గో? బోలో ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. ఇజ్ ఇట్ అ గుడ్ ఆప్షన్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు ఏ? తు కర్ సక్తి హై బేటా హిమ్మత్ మత హార్ అనా, కబ్ సే ఝూమ్ రీ తు అనా, తు కర్ సక్తి హై, అప్నే ఆప్ కో సంభాల్ అనా, బస్ థోడే దిన్ కీ బాత్ హై బేటా, బస్ అభీ ఎగ్జామ్ హై నా అప్నీ, ఉస్కే బాద్ ఐసా ఫైల్ కే సోనా హై, మౌసమ్ భీ ఐసా ఠండీ కా గజబ్, ఫిర్ రోకనా మత అప్నే ఆప్ కో, ఫిర్ దోస్త్ బులాయేంగే నా, ఏ సుబహ సుబహ చల్ అపన్ మహాబలేశ్వర్ కే లియే నికల్నా హై, యా అప్నే కో సింహగఢ్ జానా హై, జానా మత తు, తు మస్త్ సోనా, అభీ మేరే ప్రవచన్ కో సున్ తు, ఝూమ్ మత్ తు, ఐసే మేకో జలన్ హో రహీ ఇధర్, ఠీక్ హై నా? రైట్. సో ఇస్ దట్ సెకండ్ పాసిబిలిటీ, మే క్యా బోల్ రహా హూం, ఇస్ దట్ సెకండ్ పాసిబిలిటీ అట్రాక్టివ్ టు యూ? మతలబ్ అగర్ ఆప్ గివెన్ ఎన్ ఆప్షన్, గివెన్ ఎన్ ఆప్షన్ టు యూ, నో ఫుడ్ ఓన్లీ క్లోదింగ్, అండ్ సెకండ్ వన్ టైమ్ ఫుడ్ లెస్ ఆఫ్ క్లోదింగ్, వాట్ విల్ యూ ప్రిఫర్? సెకండ్. యూ సీ దట్స్ అ గుడ్ థింగ్, రైట్? సో యూ సీ దట్ దిస్ ఇస్ వాట్ అన్ అపార్చునిటీ. వాట్ డూ వీ మీన్ బై అపార్చునిటీ? ఇట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ బెస్ట్ యాక్టివిటీ. అపార్చునిటీగా మతలబ్ సమజన, ఈ క్యా హై? నెక్స్ట్ బెస్ట్ యాక్టివిటీ, బరాబర్ కే నహీ? సో ఇఫ్ ఐ సే కి యార్ సహీ హై యార్ బీ ప్రిఫర్ కరేంగే, తో లోగో కే మ్యాక్సిమమ్ వాంట్స్ కో సాటిస్ఫై కర్ పాయేంగే, కరెక్ట్ నా? యహాన్ పే తో సిర్ఫ్ క్యా హో రహా హై, క్లోదింగ్ కి వాంట్ సాటిస్ఫై హో రహీ నా? బోలో ఎస్ ఆర్ నో? తో బట్ యహాన్ పే ఆప్కో కహీ కుచ్ సాక్రిఫైస్ కర్నా పడ్ రహా హై క్యా దోస్తో? బోలో ఎస్. కితనా సాక్రిఫైస్ కర్నా పడ్ రహా హై? వన్ యూనిట్. ఆర్ కిస్ మే సాక్రిఫైస్ కర్నా పడ్ రహా హై? క్లోదింగ్ మే. సో ఏక్ యూనిట్ ఫుడ్ కా పానే కే లియే జో ఆప్నే సాక్రిఫైస్ కియా క్లోదింగ్ మే, ఉసే హమ్ లోగ్ కహేంగే క్యా? అపార్చునిటీ కాస్ట్. సో వీ డిఫైన్ అపార్చునిటీ కాస్ట్ ఇస్ వాట్? కుచ్ పానే కే లియే కుచ్ ఖోనా పడతా హై, జో ఖోయా ఉసే అపార్చునిటీ కాస్ట్ కహతే హై. ఏక్ బార్ హో జాయే వాపస్ సే. కుచ్ పానే కే లియే కుచ్ ఖోనా పడతా హై, జో ఖోయా ఉసే అపార్చునిటీ కాస్ట్ కహతే హై. ఆయీ బాత్ సమజ్ మే? థ్యాంక్స్. బోలో ఎస్ ఆర్ నో? బోలో ఆయా నా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. వెరీ గుడ్. ఎక్స్ అయినా
अरे आप इमोशनल मत हो, रे बातें मत करो. सो डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गाइस? फोकस. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? यस. फिर उसके बाद ऐसे हम लोग दो यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो अपना यहां सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. सो यहां पे अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई 2. ऐसे करते करते जाएंगे अपन, बराबर के नहीं. सो दिस इज व्हाट वी सी एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. समझा गया आपको? सही है एकदम. सो हियर व्हाट डू वी ऑब्जर्व? ऑब्जर्वेशन इज व्हाट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग. क्यों बच्चों? व्हाई डज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग इज द क्वेश्चन. सी सिंपल, बिकॉज आपको जो नेक्स्ट एक्टिविटी दिखती है वो आपके लिए, आपको लगता है इज व्हाट द बेस्ट. सो इसके लिए आप ज्यादा सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो ना. आपके सामने अब जैसे यहां पे दिखता है 10,000 आपको मिलेंगे. कितने मिलेंगे आपको? 10,000 रुपए. यू आर डूइंग व्हाट? द जॉब ऑफ 10,000 रुपीज, बराबर. अब आपको अपॉर्चुनिटी आती है 15,000 की, क्या आप 10,000 को ठुकराओगे क्या 15,000 को पाने के लिए? बिकॉज यू सी दिस इज व्हाट द नेक्स्ट बेस्ट एक्टिविटी. फिर उसके बाद अगर आपको 25,000 का जॉब आया तो क्या आप 15,000 के जॉब को ठुकरा दोगे क्या? बोलो यस और नो. विल यू एक्सेप्ट दिस? बोलो यस और नो. व्हाई? बिकॉज 25,000 इज व्हाट? द नेक्स्ट बेस्ट एक्टिविटी. अगर आपको 35,000 का जॉब मिला आपको, तो क्या आप 25,000 वाले जॉब को ठुकरा दोगे क्या? हाँ. बिकॉज 35,000 इज व्हाट? द नेक्स्ट बेस्ट एक्टिविटी. सो अगर आप फोकस करोगे ध्यान से, आपके पहले इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी? 10,000, करेक्ट है ना? 15,000 को सिक्योर करने के लिए सेक्रीफाइस कितना किया? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. क्या खोया बच्चा? 10,000. सो 10,000 क्या हो गई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो फर्स्ट एग्जाम्पल में अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी? 10,000. बट फिर आप 25,000 वाले को पाने के लिए आपने कितना सेक्रीफाइस किया? 15,000. सो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आ गई यहाँ पे? 15,000. 35,000 को पाने के लिए मैंने 25,000 ठुकराए, तो 25,000 क्या हो गई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ते क्रम में दिख रही है या घटते क्रम में दिख रही है? बढ़ते क्रम में. अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कोई जॉब देगा 30,000 का, विल यू एक्सेप्ट दैट 30,000 का जॉब? सो योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल नेवर डिक्रीज, इट विल बी कॉन्स्टेंट और इट विल इंक्रीज, बट इट विल नेवर डिक्रीज. बिकॉज वेन वी से अपॉर्चुनिटी, वी से वी आर फोकसिंग अपॉन वॉट? द नेक्स्ट बेस्ट एक्टिविटी. आई बात समझ में आपको? सो देयरफॉर इट गोज ऑन वॉट? इंक्रीजिंग. गाइज आर यू क्लियर? कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, एग्जाम में कहीं कंफ्यूजन नहीं होना. सो इसलिए एवरी टाइम द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गोज ऑन वॉट? इंक्रीजिंग. वेरी गुड. सो दिस इज वॉट वी ऑब्जर्व फ्रॉम हियर, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गोज ऑन वॉट? इंक्रीजिंग. तो ये जॉब या सैलरी के माध्यम से बोला तो बच्चों को लगे समझ में आया था. हो भाई सर, पैसे में बोलो मजा आता है, राइट? सो विद दिस देन वी डिसाइड टू डू वॉट? वी ड्रॉ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, एंड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कम्स लाइक कॉन्केव टू द ओरिजिन. अगर आप ये सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर लोगे तो आपको बकायदा इज्जत में ये ही आपको ऐसा मिलेगा आपको. सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसा है दोस्तों आपका? इट इज कॉन्केव टू द ओरिजिन. कैसा है दोस्तों? कॉन्केव टू द ओरिजिन. कॉन्केव मतलब कैसा होता है? जैसा दिख रहा है वैसे. ठीक है, पूछने का नहीं कैसा होता है. सो दिस इज वॉट कॉन्केव टू द ओरिजिन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. एंड ये रीजन क्या है इसका कॉन्केव होने का? सो रीजन आपका ऊपर लिखा हुआ है. क्या रीजन है इसका? द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग, बराबर. इफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वुड हैव बीन अ कॉन्स्टेंट, क्या कह रहे हैं अपन यहां पे? अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्स्टेंट होती, सुन रहे क्या दोस्तों? बोलो ना. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर कॉन्स्टेंट होती, सो योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, एक सेकेंड,
अगर आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर कांस्टेंट होता सो योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वुड हैव बीन अ स्ट्रेट लाइन. सो रिमेंबर स्ट्रेट लाइन इज नॉट लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन इज नॉट लाइक दिस, बट द स्ट्रेट लाइन वुड बी लाइक दिस. मेरी बात को समझ रहे क्या आप लोग? स्ट्रेट लाइन कैसी होती थी? लाइक दिस, मतलब स्ट्रेट लाइन, कर्व नहीं आता उसमें. ये कर्व जो है ना, देखो यहां पे भी आपका पीपीसी इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, ये ऐसा ही होता, बराबर के नहीं? बट इसको वो कर्व क्यों आया है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अदरवाइज इट वुड हैव बीन व्हाट? अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस. ओके, बोलो यस और नो. यस, वेरी गुड. देन when we say when the point is, let's say point A, let's say then we have point B and let's say we have point C, exam mein question, barabar. So what do we mean by these points? Padhna hai kya aapko? Yes, sir. Ha. So what do we mean by these points? To yahan pe in points ka matlab hota hai, A jo point hai aapka, जो आपका ए पॉइंट है ए, दिस इंडिकेट्स व्हाट? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. क्या डिनोट करता है वो? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. पॉइंट नंबर बी जो है वो आपको बोलता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. एंड पॉइंट सी, बोलने का नहीं, ओवर यूटिलाइजेशन. पॉइंट सी इज वॉट? कैन नॉट बी अचीव्ड. अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, वाई इट कैन नॉट बी अचीव्ड? रीजन इज सिंपल, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज फिक्स्ड, रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, फुल यूटिलाइजेशन है, तो इसके लिए वी कैन नॉट अचीव वॉट? पॉइंट सी. वेन एवर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि यहां पे इकोनॉमी में न्यू रिसोर्सेज डिस्कवर हुए, बराबर के नहीं? तो यहां पे वेन एवर न्यू रिसोर्सेज आर डिस्कवर्ड, द पीपीसी विल शिफ्ट टू व्हाट? राइट. वॉर्स वगैरह की वजह से जब अपने रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो गए, पीपीसी विल शिफ्ट टू व्हाट? लेफ्ट, बराबर के नहीं? या आपको फिर एग्जाम में क्वेश्चन देंगे, वी आर एट द पॉइंट ए राइट नाउ, ग्राफ देंगे, वी आर एट पॉइंट ए राइट नाउ, एंड देन देर इज रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट. रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट नहीं बोलेंगे, रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट. सो वी विल मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी टूवर्ड्स पीपीसी. आई बात समझ में? दीज आर द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्ड. सो यहां पर पीपीसी अपना खत्म होता है. डाउट है, कुछ क्वेरीज है इसमें? नहीं. फिर इस चैप्टर का लास्ट जो बचता है वो है क्या? डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, ध्यान से सुनना. आपको मालूम है, वन इज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकेंड इज द सोशलिस्टिक इकोनॉमी, एंड थर्ड इज द मिक्स्ड इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, ध्यान से सुना, लिख नहीं रहा हूं क्योंकि आप सबको मालूम है और रेगुलर क्लासेस में अपन ने ये लिख लिया है पूरा डिस्टिंक्शन इसका. सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज द इकोनॉमी वेयर देयर इज नो रोल ऑफ गवर्नमेंट. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? फ्री मार्केट इकोनॉमी, ऑल्सो कॉल्ड एज लेसीज फेयर इकोनॉमी. गवर्नमेंट का कहीं पे भी कुछ इंटरवेंशन नहीं होता है. फ्री मार्केट इकोनॉमी क्यों कहते हैं? क्योंकि द क्वेश्चंस लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. इनका जो मोटिव है इट्स व्हाट? ओनली प्रॉफिट, एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेन स्टे. गवर्नमेंट के काबू में कुछ नहीं होता, प्राइवेट प्रॉपर्टी है. मोटिव क्या है, इंटेंशन क्या है? सिर्फ और सिर्फ मुनाफा करना, प्रॉफिट करना, और कुछ भी नहीं करना, बराबर के नहीं? यहां पे रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता है, बराबर के नहीं? इनइक्वालिटी ऑफ इनकम हो सकती है, ये सारी चीजें हम लोग को यहां दिखती है. सोशलिस्टिक ऑन द अदर हैंड इज द इकोनॉमी विच इज कॉल्ड एज व्हाट? द कमांड इकोनॉमी. वहां पे स्टेट दैट इज गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व,
एंड यर द डिसीजन ऑफ वॉट टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, वेन टू प्रोड्यूस, ये सब क्वेश्चन जो है ना, इट विल बी सॉल्व बाई हुम, द गवर्नमेंट, द कमांड अथॉरिटी. इनका ऑब्जेक्टिव है नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू अचीव वॉट, सोशल वेलफेयर. सो देर इज इक्वालिटी ऑफ इनकम, बराबर के नहीं. उसके बाद जॉब गारंटी सबको मिलेगा, बट हार्डवर्क के लिए इंसेंटिव नहीं मिलेगा जो आपको कैपिटलिस्ट में मिलता है. एंड मिक्स्ड इकोनॉमी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू विच इग्नोर्स द डीमेरिट्स ऑफ बोथ द इकोनॉमीज एंड कंसिडर द मेरिट्स ऑफ बोथ द इकोनॉमीज, राइट. सो ये अपना यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है. वो कौन सा है दोस्तों? डिफरेंट टाइप्स, फर्स्ट नेचर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. कुछ क्वेरी है? फुल्ली यूटिलाइज होते हैं बट उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, इन द सेंस लाइक कि वो ओवर प्रोड्यूस कर लेते हैं, क्योंकि जब उनको दिखता है लोग डिमांड कर रहे हैं तो वो ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं और ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं जितना एक्चुअली जरूरत नहीं होती है, बराबर के लिए ऐसा. यस गाइस, ओवर, अपना फर्स्ट चैप्टर खत्म, राइट. ओके, सो वी विल टेक अ ब्रेक ऑफ, गिन के 10 मिनट्स. आज अपने पास समय बहुत लिमिटेड है, एकदम कट शॉर्ट चल रहे. सो वी हैव अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स. 10 मिनट्स के बाद वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द डिमांड, सप्लाई, यूटिलिटी. ये तीन टॉपिक्स हम लोग आने वाले 1 घंटे में, 45 मिनट्स टू 1 आवर में वो कवर करेंगे, एंड देन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट एंड मार्केट. करेक्ट है? यस. ओके, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड विद आवर फर्स्ट चैप्टर. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड चैप्टर. सेकेंड चैप्टर अब जो हम लोग पढ़ने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आने वाला 1 घंटा हम लोग को 3 टॉपिक्स कवर करने हैं, दैट इज डिमांड, यूटिलिटी एंड सप्लाई. ये 3 टॉपिक्स हम लोग को फटाफट कवर करने हैं, इंपॉर्टेंट है. तो वो 1 आवर के बाद आपको फिर से एक ब्रेक दूंगा, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अबाउट व्हाट, प्रोडक्शन, कॉस्ट एंड द मार्केट. ठीक है? ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ. रेडी? यस. ओके, फर्स्ट अब हम बात कर रहे हैं, मेरी आवाज सुनना. फर्स्ट अभी हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. वो कौन सा होगा? थ्योरी ऑफ डिमांड. अगर भूल गए होंगे तो याद दिलाता हूं, हम लोग मैराथन बैच में हैं, पढ़ाई का सिंसियरिटी लेवल बहुत ज्यादा होना चाहिए, है ना. और उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं लिख रहा हूं आप उसे नोट करते रहना. सो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो आप प्लीज उसे फॉलो करें. ओके, सो वी टॉक अबाउट थ्योरी ऑफ डिमांड. थ्योरी ऑफ डिमांड में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज डिमांड. सो डिमांड मतलब कहा जाता है एज व्हाट, इट इज डिजायर. फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं इट इज अबाउट एबिलिटी. एकदम चुप बैठने का, सुनने का, समझने का, मस्त एकदम अच्छे से डाउट्स आते हैं वो पूछने का, है ना, बी सीरियस. सो डिजायर, एबिलिटी टू पे, एंड ऑल्सो देर शुड बी वॉट, विलिंगनेस टू पे. ठीक है? सो ये सब होने चाहिए एलिमेंट्स, तब जाके हम लोग कहेंगे दैट इन इकोनॉमी डिमांड इज क्रिएटेड. क्या होना चाहिए? देर शुड बी डिजायर, ability to pay and willingness to pay, तब जाके demand create होती है. When we talk about demand, demand is expressed in the terms of price, quantity and time. कैसे express होती है अपनी demand? Price, quantity, time, quantity, price, time, जो भी आपको बोलना है वो, बराबर. कि हमें इतने के goods, इतने चाहिए इस समय पे, बराबर. वी वॉन्ट दीज मेनी गुड्स एट दिस प्राइस ऑन दिस डे, बराबर के नहीं. सो इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड वेयर इन प्राइस, क्वांटिटी एंड टाइम. बट कम वॉट मे, दिस डिमांड इज गेटिंग अफेक्टेड बाय सर्टन फैक्टर्स. सो देर आर सर्टन फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिमांड. देर आर सर्टन फैक्टर्स दैट अफेक्ट वॉट, डिमांड. सो कौन से फैक्टर्स है ये जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं? सो नंबर 1 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी. क्या कहते हैं फर्स्ट पॉइंट अपना? प्राइस ऑफ द कमोडिटी. सो जो कमोडिटी का प्राइस है वो आपके डिमांड को अफेक्ट करेगा. कैसे?
So simple है, as the price rises, the demand falls. Or as the price falls, the demand rises. Indicating an inverse relationship between price and quantity demanded. The price of the commodity not only affects the demand, but also we say that the price of related commodities also affects the demand. किसके बच्चों? Price of related commodity. Related commodity में there are two commodities. वो कौन से है? एक है substitutes और दूसरे कौन से है? Complementary goods. ठीक है ना? So यहां पे आप अगर ध्यान दोगे तो substitutes are also called as the competing goods. Remember this. Substitutes को और क्या नाम देंगे हम लोग? Competing goods. तो इसके अंदर क्या होता है, जब यहां पे हम लोग फोकस करें अगर, तो यहां पे अगर प्राइस ऑफ द ओरिजिनल कमोडिटी की बात करेंगे अपन, सो यहां पे या तो अपन ऐसे लिखेंगे प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी की बात करेंगे, सो यहां पे आपको दिखेगा डिमांड ऑफ द सब्स्टिट्यूट कैसे अफेक्ट होगी, सॉरी डिमांड ऑफ द ओरिजिनल कमोडिटी के. सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, एज द प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी राइजेस. रिलेटेड कमोडिटी यहां पे अपन एग्जाम्पल लिखते हैं कौन सा अपना, हाँ चीज. तो यहां पे चीज का अल्टरनेटिव क्या है? बटर. नहीं सर, घी बटर लिख दो. सो हम लोग लिखते हैं यहां पे घी और यहां पे अपन लिखते हैं क्या? बटर. सो अगर घी की प्राइस बढ़ जाएगी सो लॉजिकली क्या हो जाएगा? घी की डिमांड कम होगी. तो अगर घी की डिमांड कम होगी तो लोग कहां पर शिफ्ट होंगे? बटर पे. क्यों? क्योंकि बटर इज स्टिल कंपेरेटिवली व्हाट? चीपर. सो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों? डिमांड ऑफ द ओरिजिनल कमोडिटी विल व्हाट? इंक्रीज. एकदम आसान है क्या यहां पे? एंड यही क्या हो जाएगा, अगर इसकी प्राइस कम हो गई तो इसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी? गिर जाएगी. सो यहां पे वी सी देर इज इनवर्स रिलेशनशिप. यहां पे क्या दिखता है अपने को? देर इज व्हाट? एन इनवर्स रिलेशनशिप. और यहां पे अपने को क्या दिखता है? देर इज अ पॉजिटिव और वी कॉल इट एज द डायरेक्ट रिलेशनशिप. करेक्ट दिख रहा है क्या आपको? बोलो यस और नो. यस. फिर यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर अपन बात करें सो यहां पे फिर से लिखते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी. यहां पे अपन एग्जाम्पल लिखते हैं लेट अस से पेन एंड दूसरा क्या लिखेंगे अपन? इंक. सिर्फ पेन होके कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इंक रह के कोई मतलब नहीं है, मेरे पास दोनों चीजें चाहिए. सो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर प्राइस ऑफ पेन दोस्तों बढ़ गई तो क्या हो जाएगा? पेन की डिमांड कम हो जाएगी क्या? पेन की प्राइस अगर थोड़ा प्रोसेसिंग थोड़ा सा फास्ट रखना, पेन की प्राइस अगर बढ़ जाएगी तो पेन की डिमांड क्या होगी? कम होगी. तो नहीं क्यों बोला? पेन की प्राइस अगर बढ़ेगी तो पेन की डिमांड क्या होगी? कम होगी. बट अगर लोग पेन को डिमांड कम करेंगे तो स्वाभाविक तौर पे इंक की डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो इसके लिए वी सी दैट द डिमांड फॉर द ओरिजिनल कमोडिटी दैट इज इंक विल व्हाट? फॉल. फिर यहां पे आप अगर देखोगे कि अगर इसकी प्राइस गिर गई तो इसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी? बोलो ना, इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. सो दिस इंडिकेट्स विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप? द इनवर्स रिलेशनशिप और द नेगेटिव रिलेशनशिप. सही है ना एकदम दोस्तों? सो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट द टू मेन पॉइंट्स, दैट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज. फिर उसके बाद अदर पॉइंट्स जो है वो एकदम मतलब सिंपल सिंपल है, इतना कोई ऐसे खास है नहीं उसके अंदर. वो अदर फैक्टर्स कौन से हैं? तो अदर फैक्टर्स हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहले वी टॉक अबाउट इज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. ठीक है ना? किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इनकम ऑफ द कंज्यूमर. इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी डिमांड कम होगी. नेक्स्ट अगर अपन देखें सो हम लोग बात करते हैं अबाउट क्या, तो वी टॉक अबाउट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन. किसकी बात करें अपन? कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन. अब व्हाट इज कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन? कि आपके पॉपुलेशन में कैसे लोग हैं, जवान लोग कितने हैं, बूढ़े लोग कितने हैं, बच्चे लोग कितने हैं. सो जैसे वो कॉम्पोजिशन होगा, जैसे वो एज ग्रुप होगा, उस हिसाब से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या होगी? ज्यादा होगी. अ सिंपल एग्जांपल, अगर अपने सोसाइटी में बच्चे बहुत ज्यादा है तो डिमांड फॉर टॉयज, डिमांड फॉर स्कूल्स, डिमांड फॉर
प्ले एरियाज, डिमांड फॉर डायपर्स, डिमांड फॉर बेबी क्लोथ, इन सब की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जैसे आपके कॉम्पोजिशन वैसे आपकी डिमांड इन्फ्लुएंस हो जाएगी। उसके साथ साथ फिर अपन क्या कहते हैं, कॉम्पोजिशन के साथ साथ अपन कहते हैं साइज ऑफ पॉपुलेशन भी। ज्यादा लोग तो डिमांड कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, ज्यादा करेंगे, कम लोग तो डिमांड कम करेंगे। उसके बाद अभी अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट इज द क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेटिक कंडीशंस डज इट आल्सो अफेक्ट द डिमांड? यस। तो यहाँ पे अभी अपना शुरू हो गया है क्या, विंटर्स, तो वी डिमांड फॉर व्हाट, स्वेटर्स, जैकेट, मफलर्स, बराबर के नहीं। बट व्हेन इट इज समर्स वी डिमांड फॉर व्हाट, सनग्लासेस, सनस्क्रीन, लोशंस, कैप्स, तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। व्हेन इट इज रेनी सीजन सो वी डिमांड व्हाट, अम्ब्रेलास, बराबर, रेनकोट्स, गम बूट्स, तो ये सारी चीजें हम लोग डिमांड करते हैं। सो जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस वैसे क्या हो सकता है बच्चों, डिमांड अफेक्ट हो सकती है। उसके साथ साथ अपन कहते हैं कि एडवर्टीजमेंट ऑल्सो अफेक्ट्स द डिमांड। डू यू अग्री? एडवर्टीजमेंट ऑल्सो अफेक्ट्स द डिमांड। अगर आप उस प्रोडक्ट को मार्केट करोगे तभी जाके वो प्रोडक्ट बिकेगा भी, कभी अगर मार्केटिंग नहीं करोगे तो नहीं बिकेगा। इमेजिन करो शाम का समय है, 6-7 बजे, अपने को थोड़ा ऐसे वो हाई टी के टाइम पे थोड़ी ऐसे भूख लगती है, एंड यू आर जस्ट सर्फिंग वॉट टीवी, एंड सडनली यू सी मैगी का एड आ गया है, या डोमिनोज या पिज्जा हट का एड आ गया है। सडनली आप मन बना लेते हो आज तो भैया मैगी खाएंगे, सडनली आप डिसाइड करते हो कि आज तो पिज्जा खाना है। क्यों? क्योंकि आपको उस टाइम पे ऑलरेडी भूख लगती है, एंड व्हेन दैट कमर्शियल केम ऑन टीवी आपने मन बना लिया कि चलो इसको डिमांड करते हैं, बराबर। या तो आप जब आजकल बहुत बार यूट्यूब पे अगर कोई वीडियोस चलाते हो, बराबर के नहीं, सो आपको स्टार्टिंग में ऐड दिखता है, आपको गेट लाइटनिंग फास्ट डिलीवरी ओनली ऑन जोमैटो, बराबर के नहीं, तो वो जोमैटो वाले ने पैसे नहीं दिए मेरे को, मैं बस बोल रहा हूँ आपको। तो सर आप बोलोगे सर आप क्यों मार्केटिंग कर रहे हैं, तो फिर आपकी इच्छा होती है कि यार वो अच्छा घर बैठे बैठे आ जाएगा क्या, ट्रैफिक से कौन जूझेगा अभी, यू मेक द डिमांड। सो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं, तो इट अफेक्ट्स व्हाट द डिमांड। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, अगर अभी हम देखें एडवर्टीजमेंट के साथ साथ, सो हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑल्सो अफेक्ट्स द डिमांड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब क्या है, सी अपने यहाँ पे दो क्लासेस ऑफ पीपल हो जाते हैं, एक रिच पुअर, सो रिच विल डिमांड बिकॉज दे हैव मनी, एंड पुअर विल डिमांड नो बिकॉज दे डोंट हैव मनी, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं, बट इन सब में जितना भी हम लोग पढ़ते हैं एक हम लोग अजम्पशन लेके चलते हैं, वो अजम्पशन क्या है यहाँ पे, सो अजम्पशन लेके चलते हैं वो क्या है, सेट्रिस पैरिबस। मतलब क्या है सेट्रिस पैरिबस का, अदर थिंग्स बीइंग कॉन्स्टेंट। क्या कहेंगे सेट्रिस पैरिबस मतलब, अदर थिंग्स बीइंग कॉन्स्टेंट, बोलो और एक बार, अदर थिंग्स बीइंग कॉन्स्टेंट। ओके, सो बाकी सारी चीजें हम लोग समान मानेंगे और फिर उसके बेसिस पे अगर देखेंगे तो ये सारे रिश्ते हम लोग को दिखेंगे। एनी डिफिकल्टी टिल हियर? नो। यहां से अभी अपन आगे बढ़ते हैं, एंड नेक्स्ट नाउ वी टॉक अबाउट इज लॉ ऑफ डिमांड। किसके बारे में बात करेंगे अभी अपन, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड एकदम सिंपल सा है, अपन बचपन से पढ़ते आ रहे, इसमें कोई ऐसे खास बड़ी बात नहीं है। फटाफट ध्यान से सुन लेना, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, बराबर के नहीं, क्या होता है बच्चों, राइजेस, बराबर के नहीं, क्या होता है, एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइस, क्यों लिखा मैंने, एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, क्या होता है, द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर इट फॉल्स, बराबर के नहीं, देयरफॉर, एंड वाइस वर्सा तो यही अपने को मालूम है, वे में शॉर्ट में समरी अपन बना रहे हैं, देयरफॉर इंडिकेटिंग इंडिकेटिंग एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। डू यू अग्री विद दिस? बोलो यस और नो।
सो यहां पे इनवर्स रिलेशनशिप किसके बीच में, क्वांटिटी प्राइस या प्राइस क्वांटिटी? प्राइस क्वांटिटी, रिमेंबर दैट, बराबर के नहीं? सो इंडिकेटिंग एंड नेगेटिव रिलेशनशिप, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप और इनवर्स रिलेशनशिप? इनवर्स रिलेशनशिप, एकदम आसान है, राइट? सो यहां पे हम लोग इसके अंदर कॉन्सेप्ट जो देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड में, सो हम लोग सबसे पहले देखते हैं शेड्यूल और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कर्व्स। शेड्यूल में दो शेड्यूल आते हैं अपने पास, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, बराबर, और दूसरा होता है कौन सा, अपना मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है ना? सो अब इंडिविजुअल मतलब सिर्फ एक व्यक्ति को कंसिडर करो, मार्केट में जितने भी लोग हैं उस मार्केट के अंदर उनकी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को स्टडी करो, तो उसको अपन क्या कहेंगे, मार्केट डिमांड शेड्यूल। आई बात समझ में आपको? यस। सो उसके बाद अगर कर्व देखे तो सेम मार्केट डिमांड कर्व होगा और इंडिविजुअल डिमांड कर्व होगा। वो जो डिमांड कर्व होगा वो कैसा होगा, इट विल बी व्हाट, अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। कैसा होगा वो, इट विल बी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। कैसा होगा वो, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बराबर के नहीं? सो यहां पे हम लोग देखते हैं कि यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या बच्चों, प्राइस, और यहां पे अपन लिखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। एज यू कैन सी, एज द प्राइस इज हायर द क्वांटिटी डिमांडेड इज लोअर, एंड व्हेन द प्राइस इज लोअर द क्वांटिटी डिमांडेड इज हायर। सो यहां पे अपन लोग देखते हैं, इट इंडिकेट्स व्हाट, द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। आई बात समझ में आपको? सो दिस इज वॉट इज लॉ ऑफ डिमांड इन इट्स एसेंस, बेसिक, एकदम परफेक्ट एकदम, यस। अब यहां से आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट, अभी अपन बात करेंगे अबाउट वॉट, वी टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉट, इलास्टिसिटी, विच इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो जो इस चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। सो वी टॉक अबाउट इलास्टिसिटी, वॉट इज इलास्टिसिटी, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। As the price changes, the demand also changes. Yes or no? But we are not aware about how much change. Do you agree with this? Price बदलेगी, demand भी बदलेगी, पता है सर, but कितने से ये मालूम है क्या आपको? As the price changes, the demand also what changes, बराबर के नहीं? So me as a businessman, what I want to decide is कि okay, price बदलेगी तो demand बदलेगी, तो चलो एक काम करता हूं, price कम करता हूं। तो price कम कर दूंगा तो उसके वजह से क्या demand क्या एकदम से बढ़ जाएगी क्या? पता नहीं। प्राइस अगर एकदम से बढ़ा दूंगा तो डिमांड एकदम से कम हो जाएगी क्या? पता नहीं। सो यहां पे वो हाउ मच चेंज को अपने को मेजर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? यस। तो इस हाउ मच चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं सेंसिटिविटी। क्या कहते हैं इसको अपन? सेंसिटिविटी, या इसको अपन कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। क्या कहते हैं इसको अपन? रिस्पॉन्सिवनेस, कि अगर एक फैक्टर में चेंज होने के वजह से आपकी क्वांटिटी जो बदल रही है तो वो कितने से बदल रही है, वो सेंसिटिविटी, वो रिस्पांस को जानने के लिए जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी, बराबर के नहीं? टू मेजर दिस सेंसिटिविटी, टू मेजर दिस इलास्टिसिटी, वी टू मेजर दिस सेंसिटिविटी और दिस चेंज और दिस रिस्पॉन्सिवनेस, वी स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉट, इलास्टिसिटी। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। सो यहां पे वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। ये टाइप्स आते हैं बिकॉज ऑफ देर आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिमांड, अकॉर्डिंग टू दोज फैक्टर्स वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। सो फर्स्ट जो टाइप ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग देख रहे हैं वो कौन सी है? प्राइस इलास्टिसिटी। कौन सी टाइप ऑफ इलास्टिसिटी दोस्तों? प्राइस इलास्टिसिटी। सो क्या कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी के लिए, ध्यान से सुनना एकदम मन लगा के। प्राइस इलास्टिसिटी की अगर अपन बातें करें, सो यहां पे मैं आपको लॉजिक देता हूं। बच्चों मुझे बताओ, प्राइस के वजह से डिमांड अफेक्ट होती है या डिमांड के वजह से प्राइस अफेक्ट होती है? प्राइस के वजह से डिमांड अफेक्ट होती है। सो वी राइट ओवर हियर, प्राइस इज द बेसिस,
affecting demand. Do you agree with this? So price is the basis which is affecting your demand. So यहां पे आप देखोगे तो प्राइस बेस डिमांड ये तीन चीजें अपने को चाहिए. सो देयरफॉर विद दिस लॉजिक व्हाट वी गेट इज द फॉर्मूला. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज क्या कहेंगे, प्राइस इज द बेस, है ना. सो यहां पे अपन लिखेंगे डी अपॉन पी, क्योंकि प्राइस इज द बेस. प्राइस कहां पे है? बेस में. प्राइस इज द बेस विच इज अफेक्टिंग द डिमांड. सो बेस में क्या आएगा? प्राइस. न्यूमरेटर में क्या आएगा? डिमांड. अपने को इसके अंदर चेंज फाइंड करना है ना अपने को. बोलो यस और नो. सो यहां पे अपन इसको फाइंड कैसे करेंगे? चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, बराबर. बट ये जो अपने को चेंज फाइंड करना है ये कैसे फाइंड करना है? इन परसेंटेज. सो अपना फॉर्मूला बन जाएगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. आई बात समझ में आपको? द क्वेश्चन इज सर हाउ डू वी फाइंड दिस चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन प्राइस. चेंज कैसे निकालते हैं परसेंटेज में? सो आपकी जितनी न्यू डिमांड थी बराबर माइनस जो आपका ओल्ड डिमांड है, ये आपका चेंज है. जाओ फिर. सो न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड, ये क्या हो गया अपना? चेंज, बराबर कि नहीं? सो यहां पे चेंज करेंगे और अब अपने को परसेंटेज में निकालना है इसको. बोलो यस और नो. सो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे ओल्ड डिमांड से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो अपने को मिलेगा क्या? परसेंटेज, कि पीछे के मुकाबले आगे अपना कितना चेंज हुआ है. इसी को डिवाइड करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? अभी न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इनटू 100. तो ये अपने को पूरा पूरा मिल गया क्या? परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. And this is what our formula is for what? The price elasticity. आई बात समझ में आपको? Yes. इस formula को ध्यान में रखते हुए ध्यान से सुनना, हमें इसके जो answers है that is elasticity के जो measures है वो कितने होंगे? वो होंगे कुल मिला के 5, ठीक है ना. वो क्या है जरा ध्यान से देखना. So इसका जो भी answer आएगा तो वो answer एक तो क्या आएगा ध्यान से सुनना. सो इट विल बी ईदर 0, इट विल बी ईदर 1 एंड इट विल बी व्हाट? इनफाइनाइट. रिमेंबर यहां पे इसका जो कोएफिशिएंट होगा ना, दिस कोएफिशिएंट विल ऑलवेज बी प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो, बातें मत करो, भगा दूंगा मैं, लास्ट टाइम बोल रहा हूं अभी. कोएफिशिएंट विल ऑलवेज बी व्हाट? नेगेटिव, बराबर के नहीं? Coefficient will always be negative. Why? Because of the inverse relation. बराबर कि नहीं? Inverse relationship between what? Between the price and quantity. इसके लिए coefficient हमेशा कैसा रहेगा? The coefficient will always be what? Negative. ये तो बात तय है. इसलिए for the sake of convenience, we ignore the negative sign. And therefore the resulting answers that come, the resulting answer will be what? 0, 1 and infinite. आई बात समझ में? Yes. And फिर इसके अंदर फिर क्या होगा? 0 तो होगा ही होगा, but it will be more than 1, it will be what? More than 0 but less than 1, बराबर. That is we say here elasticity will be equal to 0, or then elasticity will be what? Less than 1. और इलास्टिसिटी विल बी मोर देन 1. तो ऐसे अपने को 5 अलग अलग कोएफिशिएंट्स अपने को मिल सकते हैं, बराबर. सो यहां पे इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? व्हेन द इलास्टिसिटी इज 0, व्हेन द आंसर कम्स एज व्हाट? इलास्टिसिटी इक्वल टू 0, वी से दिस इज व्हाट? दिस इज परफेक्टली इन इलास्टिक. सर इसका मतलब क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या है? देर इज नो सेंसिटिविटी एट ऑल. मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, व्हेन वी से दिस इट मींस दैट द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू 0 इवन व्हेन देर इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस. परसेंटेज चेंज इन प्राइस है बट वो कितना भी आप चेंज कर लो उसकी डिमांड बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हो रही है, उसे अपन क्या कहेंगे? ये प्रोडक्ट है कैसा?
परफेक्टली इन इलास्टिक, उसमें इलास्टिसिटी, उसमें सेंसिटिविटी, उसमें रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है। रिस्पॉन्ड किया क्या वो? मतलब अगर नमक की कीमत 10 रुपए से 20 रुपए होगी, नमक खाना छोड़ दोगे क्या? नहीं, आप फिर भी डिमांड करोगे। तो दैट इज वॉट वी से, इट इज वॉट द परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इज। यहां पे व्हेन वी से इलास्टिसिटी इज लेस देन वन, वी से इट इज नॉट परफेक्टली बट इट इज वॉट रिलेटिवली इन इलास्टिक। सो रिलेटिवली इन इलास्टिक कब आएगा दोस्तों? ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो रिलेटिवली इन इलास्टिक कब आएगा यहां पे? व्हेन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ध्यान से सुनना, इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या बोला अपन ने यहां पे? परसेंटेज चेंज इन डिमांड विल बी लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तब जाके आपको जो आंसर मिलेगा ना, इट विल बी व्हाट? लेस देन वन। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज हाउ मच? 90, बराबर। एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज हाउ मच? 100। व्हाट विल बी द आंसर? 0.9। इज इट लेस देन वन? अपन ऐसा करते हैं, 99 डिवाइडेड बाय 100 विल बी इक्वल टू व्हाट? 0.99 लेस देन वन। ये आपका आंसर लेस देन वन कब आया? When the numerator is comparatively less than denominator, numerator में क्या है? Percentage change in demand, denominator में क्या है? Percentage change in price। तो इसके लिए दोस्तों अपन क्या कहते हैं? Percentage change in demand, if it is less than percentage change in price, it will be what? Relatively inelastic। आई बात समझ में? फिर यहां पे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? About one, which is what? यूनिटरी और यूनिट इलास्टिक। वॉट इज यूनिटरी इलास्टिक? अब आपको समझ में आ गया कि सर यहां पे क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड विल बी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। समझ में आया आपको? एनी डिफिकल्टी टू क्लियर? हे गाइस, इजी एकदम, यस। एंड यहां पे अब अपन बात करेंगे, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन वन। सो इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन वन कब होगा? When, इसको क्या कहेंगे ग्रेटर देन वन? When it is relatively elastic। और ये relatively elastic कब होगा? So यहां पे लॉजिक लगा के क्या होगा, ग्रेटर देन वन आंसर कब आएगा? Percentage change in demand is greater than the percentage change in the price। जमा गया आपको ये? बोलो yes or no? Yes। So percentage change in price। And आखिरी में अब अपन बात करेंगे about इनफाइनाइट। सो इनफाइनाइट मतलब क्या कहेंगे? इट इज परफेक्टली इलास्टिक, बहुत ज्यादा इसके अंदर क्या है? सेंसिटिविटी है। तो ये आंसर आपका कैसे आएगा? परफेक्टली इलास्टिक। सो यहां पे परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज व्हाट? इनफाइनाइट, अनशन। कब? व्हेन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज व्हाट? स्लाइट, मतलब जरा सी क्या आपने प्राइस चेंज कर दी, योर डिमांड इज चेंजिंग लाइक टू एनी एक्सटेंट, बराबर के नहीं? सो दिस इज वॉट वी कॉल द डिफरेंट मेजर्स ऑफ इलास्टिसिटी, एंड ये उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन। एनी डिफिकल्टी टिल हियर? सो हियर वी कंप्लीट द फर्स्ट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज वॉट? प्राइस इलास्टिसिटी। एनी डिफिकल्टी टिल हियर? नो, पक्का पक्का, ओके, बोलो। परफेक्टली इलास्टिक का कोई एग्जाम्पल, जैसे आप इमेजिन करो, यहां पे कौन है? मैं हूं, हर्षद जाजू। ये क्या है? काल्पनिक है, ठीक है, ध्यान से सुनना। यहां पे हर्षद जाजू है, यहां पे मान लो राज सर है, ठीक है, यहां पे कौन है फिर? मयूर सर है। अब हम तीनों जो है ना, बहुत भारी लोग हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं यहां पे? हम लोग पानीपुरी बेच रहे। याद आया क्या बेटा? नहीं आया, वेरी गुड, नहीं मैं याद दिलाता हूं। सो यहां पे हम तीनों मस्त, बहुत बड़े लोग हैं हम लोग, एकदम बड़ी बड़ी पानीपुरी बेच रहे हैं यहाँ पे। सो क्या बेच रहे हैं हम लोग यहाँ पे? पानीपुरी बेच रहे, एकदम सही। तो यहाँ पे मैं 10 रुपये प्लेट बेच रहा हूँ, राज सर 10 रुपये प्लेट बेच रहे हैं, मयूर सर भी 10 रुपये प्लेट बेच रहे हैं, सही है ना? बोला हाँ। तो फिर अगर यहाँ पे समझ ले, मयूर सर बोलते हैं, नहीं भाई क्या हो गया, मेरी शादी हो गई है, तो मैं अब 10 रुपये में नहीं 12 रुपये में बेचूंगा, तू बेटा किसके पास खाएगी?
मेरे पास है तो राज सर के पास, मयूर सर के पास जाएगी क्या? भले वो कितने भी लाड ले जाएगी क्या तू? नहीं, क्यों? बोलना क्यों? क्योंकि सर पैसे में कौन किसी का नहीं, बराबर के नहीं। तो इसके लिए जो मयूर सर की डिमांड हो जाएगी वो एकदम से अफेक्ट हो जाएगी क्या विद द स्लाइट चेंज इन द प्राइस? यस। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेयर वी कैन सी परफेक्ट इलास्टिसिटी। सच बोल। हाँ, सो यहां से अपन आगे बढ़ सकते हैं क्या दोस्तों? नहीं समझा? सच बोलो। यस, ओके, आगे बढ़ सकते हैं यहां से। यस। सो अब यहां पे जो सेकेंड टाइप की इलास्टिसिटी है, भयंकर इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से मन लगा के सुनना इसको। वो है, अपन बात करेंगे अबाउट व्हाट इज द मिड पॉइंट इलास्टिसिटी। कौन सी टाइप की इलास्टिसिटी? मिड पॉइंट इलास्टिसिटी। एक काम करते हैं, बिफोर वी गो टू मिड पॉइंट इलास्टिसिटी, वेट, नो चिक चिक, हम लोग को इसके डायग्राम्स ड्रॉ कर लेने हैं। क्या करना है? इसके डायग्राम्स ड्रॉ करना है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डायग्राम्स। परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या हो रहा है? डिमांड चेंज हो रही है क्या? बोलो रे। नहीं हो रही है। सो दिस इज वॉट द डायग्राम फॉर वेन इलास्टिसिटी इज इक्वल टू वॉट? जीरो। क्योंकि यहां पे आपकी प्राइस चेंज होते जाएगी। आप देखो यहां पे प्राइस ये हो गई, फिर उसके बाद प्राइस और गिर गई, प्राइस उसके बाद और गिर गई, बट कहीं पे भी आपको आपकी डिमांड बदलते हुए दिखेगी आपको। सो दैट इज वॉट, इवन दो देर इज अ चेंज इन प्राइस, देर विल बी नो चेंज इन वॉट? डिमांड। सो हियर योर प्राइस विल नॉट चेंज। जमी क्या बात आपको यहां पे? बोलो यस और नो। सॉरी, डिमांड विल नॉट चेंज। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं एंड देन वी टॉक अबाउट इज द रिलेटिवली इनइलास्टिक। सो रिलेटिवली इनइलास्टिक का जो डिमांड कब होगा, दैट विल बी व्हाट? कंपैरेटिवली स्टीपर। कैसा होगा वो? कंपैरेटिवली स्टीपर। अब स्टीपर मतलब क्यों? तो ध्यान में रखना, दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी। फिर यहां पे आप देखोगे स्टीपर हो गया यहां पे, राइट? सो इसका जो डायग्राम है इज फॉर व्हाट? इलास्टिसिटी इज लेस देन वन। अब आप पूछोगे क्यों? सो जरा ध्यान से सुनना समझना। देखो यहां पे क्या हो गया, वाई एक्सिस ग्रीन हो गया, अब ध्यान दो यहां पे व्हाट यू सी, चलता रहे अब वाकड़ा है ये तो क्या है? क्या दिख रहा है आपको? प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है? बोलो ठीक है। फिर अब यहां पे अपन प्राइस इतनी और क्वांटिटी इतनी, सो व्हाट डू यू सी ओवर हियर? जरा गौर फरमाइएगा, यहां पे प्राइस क्वांटिटी, यहां पे P1 Q1, सही है ना एकदम? सो व्हाट डू यू सी ओवर हियर कि एज द प्राइस इज फॉलिंग द क्वांटिटी इज राइजिंग। बट अगर आप दोनों में डिफरेंस देखोगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, किस में डिफरेंस ज्यादा है? प्राइस में। सो दैट इज व्हाट वी से द डायग्राम फॉर द इलास्टिसिटी इज लेस देन वन, बिकॉज द परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज मोर एज कंपेयर टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड। आई बात समझ में आपको? यस। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसके बारे में? यूनिट इलास्टिक। भैया 45 डिग्री लेके स्केल ड्रॉ कर देना, दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। देखो इक्वल है ना? हाँ। फिर उसके बाद यहां पे जो आपका डायग्राम होगा, इट विल बी व्हाट? फ्लैटर। क्योंकि इफ यू ऑब्जर्व, देखो दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी, दिस इज प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी। क्या दिखता है आपको?
प्राइस चेंज जो है एकदम छोटा सा दिख रहा है आपको, बट क्वांटिटी चेंज इज मोर और लेस मोर। एंड यहां पे फिर हम लोग देखते हैं यहां पे, अब हम लोग देखते हैं कि जो ये जो कर्व है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस इज फॉर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, क्योंकि कोई भी इस मार्केट में अपनी प्राइस को चेंज नहीं करेगा। आई बात समझ में आपको? बोले यस और नो? यस। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंट डायग्राम्स आर फॉर, व्हाट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। नहीं जमा कभी तो लाइन मारने का ध्यान में रखना, आपको समझ में आ जाएगा कि लाइन यहां मारने का बोल रहा हूं। आपको लाइन मारना है कि डिमांड और सप्लाई, सॉरी डिमांड और प्राइस के बीच में कितनी गैप है उसके हिसाब से। ओके ओके, आगे बढ़े यहां से। यस, सो नाउ वी आर सपोज टू गो टू द सेकेंड टाइप ऑफ इलास्टिसिटी। वो कौन सा है? वो है मिड पॉइंट इलास्टिसिटी। अब मिड पॉइंट इलास्टिसिटी ध्यान से सुनना एकदम मस्त मन लगा के। When we talk about mid point elasticity, क्या है mid point elasticity? Is like try to understand एक price quantity खेलते हैं अपन, 10, 20, 25, so यहां पे लिखते हैं 5, okay, so हम लोग को यहां पे elasticity को compute करना है, so elasticity को compute करते हैं case 1, case 1 में elasticity compute कर रहे हैं When the price rises वाले केस में। सो क्या हो जाएगा, न्यू डिमांड कितनी अपनी 5 माइनस 20 इज द ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई क्या करना है दोस्तों 25 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 इंटू 100 वैसे भी कट हो जाता है। सो हाउ मच आई गेट माइनस 15 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 10 बाई 10 करेक्ट है ना? नहीं, 15 बाई 10। आप भी हाँ बोल रहे एकदम मस्त सर, आप पे फुल भरोसा है। 15 बाई 10, सो व्हाट इज द आंसर ओवर हियर? आप तो करोगे नहीं है ना सर, हमको जान पे आता सब लेके आया हूं मैं। 15 बाई 20 इज इक्वल टू हाउ मच? 0.75। नेगेटिव साइन को इग्नोर किया तो चलता ना। हाँ, डिवाइडेड बाई 15 बाई 10 मतलब कितना हो गया? नहीं रुको ना, तुमको सब कैलकुलेटर पे करना पड़ता है। देखो 1.5, ओके, सो 1.5, सो 0.75 डिवाइडेड बाय 1.5, कोई है क्या होशियार? 0.5 पक्का क्या? श्योर? देख लो एक बार, चेक कर लो, तुम बहुत डेंजर लोगे तुम। 0.5 डिवाइडेड बाय, नहीं 0.75 डिवाइडेड बाय 1.5, वाओ 0.5। सो आंसर क्या मिला अपने को? 0.5। इसको क्या कहेंगे अपन? अरे इसको क्या कहेंगे? इलास्टिसिटी लेस देन वन मालूम मेरे को बेटा, लेस देन वन बोलेंगे, फटके दोगे तेरे को। क्या कहेंगे इसको आंसर? लेस देन वन है ना, इसे कहेंगे रिलेटिवली इन इलास्टिक। ओके, अब यहां पे अपन केस टू सॉल्व करते हैं। What is this case 2? Case 2 when price falls. समझ रहे कि मैं क्या कर रहा हूं? When price falls. So what will happen when price falls? New price क्या होगी अपनी? बोलो ना, 10 minus, sorry, new demand, 20 minus 5 divided by 5, whole divided by, अरे बोलो, थक गए क्या आप लोग? फिर 10 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू हाउ मच? 15 बाय 5 डिवाइडेड बाय माइनस 15 बाय 25 इज इक्वल टू हाउ मच? 15 बाय 5 इज हाउ मच? कैलकुलेटर चाहिए क्या इसको? और 15 बाय 25 थ्री फिफ्थ कितना होता है? शपथ लो भाई, 3 डिवाइडेड बाय 6, नहीं 3 डिवाइडेड बाय 5, 0.6,
सो 3 डिवाइडेड बाय 0.6। अब इसका हंसू मत, ऐसे तुम्हारे पे भी दिन आएगा एक 0.6। सो कितना आ गया आंसर इसका, 6.3 डिवाइडेड बाय 0.6। 3 डिवाइडेड बाय 0.6 5। 60% हो गया ना उसका मतलब। सो कितना आया आंसर, 5। अरे वाह। सो अब यहां पे आपको कुछ दिखता है क्या, क्या दिखता है जो स्क्रीन पे है? यहां पे आप अगर देखोगे सो प्रोडक्ट सेम है, बट क्या हो रहा है दोस्तों यहां पे, द इलास्टिसिटी आंसर व्हाट वी आर गेटिंग इज व्हाट डिफरेंट। सो एक जगह हम लोग को दिखता है इट इज व्हाट रिलेटिवली इन इलास्टिक, बट दूसरे तरफ हमको दिखता है इट इज व्हाट रिलेटिवली इलास्टिक। तो भैया एग्जैक्टली आपका प्रोडक्ट है क्या, पता नहीं चल पा रहा। तो टू गेट टू द सेम आंसर इन ईदर केस, वेदर प्राइस राइजेस और वेदर प्राइस फॉल्स, वी नीड व्हाट, अ मिड पॉइंट इलास्टिसिटी। आई क्या बात समझ में आपको, वाई मिड पॉइंट इलास्टिसिटी, ये आपको मैंने लॉजिक दिया ही है। आई क्या बात समझ में, बिकॉज इफ द प्रोडक्ट इज सेम बराबर एंड अ बिजनेसमैन वॉन्ट्स टू टेक द डिसीजन ऑफ प्राइसिंग बेस्ड ऑन इलास्टिसिटी, एक तरफ दिखता है मेरा प्रोडक्ट रिलेटिवली इनइलास्टिक है और दूसरे तरफ उसको वही प्रोडक्ट दिखता है रिलेटिवली इलास्टिक है, कैसा डिसीजन लेगा रे बच्चों? तो इसके लिए लॉजिक क्या है ये अपने को दिखता है फॉर फाइंडिंग आउट मिड पॉइंट इलास्टिसिटी। सो अगर आप मिड पॉइंट इलास्टिसिटी के लिए अगर आप फोकस कर रहे हो, सो व्हाट डू यू सी ओवर हियर, न्यूमरेटर यहां पे कितना है 15 केस वन में, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर। केस टू में भी न्यूमरेटर का न्यूमरेटर कितना है 15। इधर वेज वी इग्नोर द नेगेटिव साइन। सेकेंड केस में और फर्स्ट केस में वापस से आप देखो, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर कितना है, और सेकेंड केस में भी डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर कितना है, बोलो ना 15। बट व्हाट इज चेंजिंग इज न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, ये अलग अलग है ना। सो वी वॉन्ट वन ओनली, तब जाके अपने को आंसर सेम मिलेगा क्योंकि न्यूमरेटर सब तरफ सेम है। तो अपन मिड पॉइंट इलास्टिसिटी पे कैसे आएंगे, फिर एकदम दिमाग लगाएंगे, एवरेज ले लेंगे। फिर क्या करेंगे अपन, व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक न्यू डिमांड माइनस वी विल डू व्हाट ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय न्यू डिमांड प्लस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय टू होल डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय। हाँ 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 भाई, मालूम पड़ के आया है तू। न्यू प्राइस प्लस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय टू। सो मैं एवरेज ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, एवरेज ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे को मिड पॉइंट मिलेगा। रिमेंबर मॉड्यूल में ये टू दिया नहीं है क्योंकि ये टू टू वैसे भी कट होता है। सो मॉड्यूल में सिर्फ अपना मतलब इक्वेशन क्या है, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय न्यू प्लस ओल्ड। बच्चा हैंग हो जाता, भैया ये कहां से आया, यहां से अचानक प्लस क्यों किया, बिकॉज दैट टू वो बैकग्राउंड में साइलेंट है, वो कट किया हुआ दिखाते नहीं है। सो प्रॉब्लम नहीं होना, इसके लिए अपन एवरेज लेते हैं, ये मालूम होना चाहिए। एंड दिस इज हाउ वी गेट द मिड पॉइंट इलास्टिसिटी एंड दिस इज व्हाट आई प्रेजेंट टू यू द फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट इलास्टिसिटी। अब अगर आपकी इच्छा होंगी तो घर जाके इसको मिड पॉइंट इलास्टिसिटी कोई भी फॉर्म नंबर ले लेना, इधर वे सॉल्व करके देख लेना, गारंटी है कि क्या आ जाएगा, आपका आंसर सेम आ जाएगा। नहीं आया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, ठीक है, खुश? ओके, सो यहां पे मिड पॉइंट इलास्टिसिटी हो गया, राइट? बोलो, मतलब एग्जाम में क्या, एग्जाम में बेटा तुमको है ना, देखो जब तक बोला नहीं गया हो ना, जब तक बोला नहीं गया है तब तक आपको सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी से सॉल्व करने का। बट जब एग्जामिनर बोलता है ना, इज्जत में यूज मिड पॉइंट इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी वापरने का इसको, है ना, है ना, होशियार बच्ची है तो एकदम, समझ आएगा बेटा? ए बोलना, यस, ओके।
सो नाउ वी टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट अभी अपना कौन सा है, फॉर्मूला समझा गया भाइयों? हाँ. नाउ वी टॉक अबाउट इज द इनकम इलास्टिसिटी. ये अब ज्यादा हो गया. ये क्या फॉर्मूला लगाओ, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम. सेम लॉजिक ना, इनकम की वजह से डिमांड बदलती है या डिमांड की वजह से इनकम बदलती है? इनकम की वजह से. तो इनकम इज द बेस अफेक्टिंग द डिमांड. फॉर्मूला हो गया क्या? बोलो यस और नो. यस. फिर उसके बाद अपन आते हैं अपन क्रॉस कनेक्शन. दैट इज व्हाट क्रॉस इलास्टिसिटी. अब मुझे बताओ क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या होता है? क्रॉस इलास्टिसिटी में हम लोग कंसिडर करते हैं अबाउट व्हाट द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी. प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी. इस बात से सहमत हो क्या आप? ए बोलो ना. तो इसके लिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर? परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ व्हाट ओरिजिनल कमोडिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ व्हाट रिलेटेड कमोडिटी. हो गया ना क्रॉस कनेक्शन, क्रॉस इलास्टिसिटी. बोलो यस और नो. यस. इजी है एकदम. आगे बढ़ सकते हैं यहां से. फिर आप जो फिफ्थ है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज वी कॉल इट एज व्हाट टोटल आउटले मेथड. दिस टोटल आउटले मेथड इज ऑल्सो नोन एज द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. ठीक है ना. इसको क्या कहेंगे अपन, टोटल आउटले मेथड या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. बच्चों क्या है ये, एग्जाम्पल से समझते हैं. यहां पे अपन लिखते हैं सिचुएशन, फिर यहां पे लिखेंगे प्राइस, यहां लिखेंगे क्वांटिटी, यहां लिखेंगे टोटल आउटले, और फिर यहां पे निकालेंगे इलास्टिसिटी. रेडी हो गया आप लोग अभी? तो सिचुएशन ए, प्राइस 5, 4, 20, 30. सिचुएशन बी, 5, 4, 20, 25. अरे बहुत भारी एग्जाम्पल है ये, 5, 4, 20, 22. अब सर आपने क्या किया ये, जरा ध्यान से सुनो. मैंने प्राइस और क्वांटिटी इसके लिए दिया क्योंकि आपको समझना चाहिए कि तीनों केस में प्राइस व्हेन इट इज फॉलिंग द क्वांटिटी डिमांडेड इज राइजिंग. यस और नो. तो अब यहां पे अपने को तो इनके बीच में का रिश्ता स्टडी नहीं करना है. प्राइस क्वांटिटी के बीच में का रिश्ता स्टडी करना है क्या? नहीं. अपने को रिश्ता स्टडी करना है द एक्सपेंडिचर के बेसिस पे, वेदर इट इज इलास्टिक और नॉट. समझा गया आपको? बोलो यस और नो. यस. सो व्हाट इज माय टोटल आउटले? माय टोटल आउटले इज प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू आउटले. माय टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस पर यूनिट इनटू द क्वांटिटीज परचेस्ड इज इक्वल टू व्हाट माय टोटल आउटले. कितना है यहां पे? 100, 120, 100, 100, 188. अब आपको दिख रहा है क्या यहां पे? कुछ चीजें अपने को ऑब्जर्व करनी है, जरा फोकस करना. सुन रहे क्या आप लोग? ओके. अब जरा ध्यान से सुनना. बोल रहा हूं, रुको. सो अब अगर आप फोकस करोगे तो लेट अस फोकस अपॉन व्हाट, ओनली द टोटल आउटले इटसेल्फ. व्हाट डू यू सी इन द फर्स्ट सिचुएशन एज द प्राइस इज फॉलिंग? सॉरी, सेकेंड सिचुएशन लेते बी वाला. क्या दिखता है? एज द प्राइस इज फॉलिंग एक्सपेंडिचर इज द सेम. एज द प्राइस इज राइजिंग एक्सपेंडिचर इज स्टिल द सेम. मतलब पेट्रोल की प्राइस बढ़ने दो या घटने दो, मैं आज भी 100 रुपए का भरता था, कल भी 100 रुपए का भरता था, आने वाले समय में भी 100 रुपए का भरूंगा. पेट्रोल की प्राइस बढ़े या कम है मेरे को फर्क नहीं पड़ता सर, सच्ची बोल रहा हूं. मेरे को पापा पहले भी 100 रुपए देते थे, 100 रुपए का डलवा दे बेटा, आज भी 100 रुपए का ही डलवाता हूं सर. बराबर के नहीं? सो यहां पे आपकी जो इलास्टिसिटी है वो कैसी है? यूनिट इलास्टिक. देर इज नो चेंज इन व्हाट द एक्सपेंडिचर. यूनिट इलास्टिक वन. बराबर के नहीं?
बट अब यहां पे सिचुएशन ए में क्या होता है, एज अ प्राइस फॉल्स योर एक्सपेंडिचर इज व्हाट राइजिंग. अब आप इमोशनल हो गए ना, अरे सेल लग गया, ओ माय गॉड. लोग इमोशनल हो जाएंगे. प्राइस कम हो गई तो पप्पा ने बोला था बेटा 1000 रुपए की एक शर्ट लेके आ जाना. पप्पा सेल लगा था 1200 रुपए में दो. प्राइस गिर गई तो तुम्हारा खर्चा भी गिरना चाहिए था ना, बट तुम इमोशनल होके क्या कर लिए, खर्चा ज्यादा कर लिए. तो जहां इमोशनल हो गए तो वहां सेंसिटिव हो गए या नहीं हो गए तुम, तो सेंसिटिविटी कम है या ज्यादा है, तो यहां पे क्या कहेंगे, इट इज व्हाट, इलास्टिक और इन इलास्टिक, इलास्टिक. बट जब आप प्राइस कम हो गई, आप बोलते ठीक है ना कम हो गई तो ठीक है अपना खर्चा भी कम हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लेते. जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट, प्राइस कम हो गई तो इसका मतलब मम्मी आज से है ना 2 चम्मच डालो, नमक सस्ता हो चुका है, बधाइया. बोलो ऐसा करोगे क्या, नहीं. आप डिमांड बढ़ाओगे, मैंने मना नहीं किया, डिमांड बढ़ाओगे, क्वांटिटी ज्यादा परचेस कर लोगे आपके सेविंग के हिसाब से, बट फिर भी आपका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है क्या यहां पे, नहीं. सो यहां पे हम लोग क्या कहेंगे, इट इज व्हाट, इन इलास्टिक. सो योर इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 एंड इलास्टिसिटी इज लेस देन 1. तो ये मार्शल साहब ने कहा कि वी कैन मेजर द इलास्टिसिटी बेस्ड ऑन द एक्सपेंडिचर ऑल्सो. सो दिस मेथड इज गिवन बाय होम, अल्फ्रेड मार्शल. समझा गया आपको, बहुत भारी पढ़ा रहा मैं आज, समझ में आ रहा है क्या आपको ये? बोलो यस सर नो. तो इसी के साथ अपने अलग अलग टाइप के इलास्टिसिटीज क्या हो गए दोस्तों, खत्म हो गए. उसके बाद एकदम फालतू सा कॉन्सेप्ट, एकदम छपरी कॉन्सेप्ट, इंक्रीज एंड डिक्रीज. जब क्वेश्चन में ये इंक्रीज डिक्रीज वर्ड आएगा ना, तो प्लीज ध्यान से पढ़ना इसको बराबर, व्हाट इज इंक्रीज एंड व्हाट इज डिक्रीज. सो इंक्रीज डिक्रीज कब होता है, मतलब व्हेन देयर इज अ रियल इंक्रीज. ओके, रियल इंक्रीज और रियल डिक्रीज. सर व्हाट इज रियल इंक्रीज, रियल डिक्रीज, दैट मींस व्हेन देयर इज चेंज इन डिमांड due to factors other than price. इसे अपन कहते हैं क्या, increase or decrease in demand. बोलो yes or no. CVS तो बोल दिया सर तुमने बोला इसके लिए, but आई शपथ समझा कुछ भी नहीं है. नहीं समझा ना, very good, तू होशियार है मेरे को मालूम. example, जैसे आपकी टेस्ट बदल गई तो आप क्या बोलते हैं, सर प्राइस से फर्क नहीं पड़ता, मेरे को चॉकलेट पसंद है तो वो अगर चॉकलेट 5 की 10 रुपए कर ले फिर भी मैं खाऊंगा, 10 के 20 रुपए कर ले फिर भी खाऊंगा, बराबर के नहीं. तो दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट द टेस्ट, बराबर के नहीं. उसके बाद अपन अगर देखें तो वी टॉक अबाउट द इनकम, अरे सर बहुत पैसा है खर्चा करूंगा दबा के, बराबर के नहीं. सो दैट इज व्हाट इनकम. सो यहां पे आपके डिमांड किस वजह से बढ़ रही है, बिकॉज ऑफ प्राइस क्या, नहीं सर प्राइस से फर्क नहीं पड़ता साहब, बराबर कि नहीं, किससे फर्क पड़ता है, टेस्ट और इनकम से. तो इस केस में जब आपकी डिमांड बढ़ेगी या घटेगी उसके हिसाब से हम लोग क्या कहेंगे, देर विल बी इंक्रीज और डिक्रीज. समझा गया आपको. सो यहां पे ये आपका ओरिजिनल डिमांड कर्व है. बोलो यस और नो. आपको कोई चीज इतनी बेहद पसंद आ गई कि आपने उसी प्राइस पे अब उसकी डिमांड आपने क्या कर ली, ज्यादा कर ली. दिख रहा है कि आपको, पहले आप क्यू डिमांड करते थे, अब आपको चाहिए Q1, बट भैया Q1 क्या आपके ओरिजिनल डिमांड कर्व पे आएगा क्या, नहीं. तो उसके लिए आपको नया डिमांड कर्व होना क्या, नहीं होना, होना. तो इसके लिए यू गेट द न्यू डिमांड कर्व, दैट इज D1, एंड वी से देयर इज व्हाट शिफ्ट इन डिमांड कर्व फ्रॉम टुवर्ड्स राइट. There is a rightward shift in the demand curve indicates the increase in demand. बोले yes or no. But अब आपको कुछ चीज पसंद नहीं आती, बोलते छी कितनी गंदी है ये, बराबर. या तो आप गरीब हो गए, आपके पास पैसे नहीं, आपको नुकसान हो गया, तो अब आप डिमांड क्या करोगे, कम करोगे. तो अदर देन दैट की वजह से अब प्राइस सेम है, बट अब आप अगर क्वांटिटी डिमांडेड कम करते हो तो यहां पर क्या कहेंगे, देर इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट एंड दिस इज वॉट वी मीन बाय डिक्रीज इन डिमांड. So when we are studying this,
अब अगर एकदम गौर से ऑब्जर्व करोगे सो आपको यहां पे क्या दिखेगा, यहां पे Q2 में आपको क्या दिखेगा, देर इज वॉट डिक्रीज इन डिमांड, एंड Q1 में आपको क्या दिखेगा, देर इज इंक्रीज इन डिमांड। आई क्या बात समझ में आपको, ये नहीं समझा क्या, नहीं समझा अभी शपथ, कुछ भी नहीं समझा, क्या नहीं समझा, तू घर जा। देख बेटा, प्राइस के अलावा अगर कभी भी डिमांड बदलती है तो उसे हम लोग कहते हैं इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड। प्राइस के अलावा मतलब तुम्हारी टेस्ट बदल गई, इतनी देर क्या कर, तेरा ध्यान था क्या, नहीं था ना, भग यहां से निकल, एड़ा समझाएगा मेरे को, ध्यान नहीं दे रहा और वापस वापस समझाऊंगा मैं, चल भग यहां से, नौटंकी। फिर यहां पे अपन बात करेंगे अबाउट व्हाट, इसमें ध्यान दे, वो समझ जाएगा तेको, अब बताता हूं, पहले इस पे ध्यान दे तू, देखो ये समझेगा तो वो ऑटोमेटिक समझेगा तेरे को। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, सो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन कब होगा दोस्तों, सो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन व्हेन, जरा ध्यान देना और सब लिख भी तो रहा हूं ना रे छोरी, सिर्फ बोल भी नहीं रहा हूं, कितना लिख रहा मैं सुबह से एड के जैसे। व्हेन देयर इज चेंज इन डिमांड, ए नो टॉकिंग, व्हेन देयर इज चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्राइस वी से देयर इज व्हाट, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन। किसके वजह से हुआ ये, बिकॉज ऑफ प्राइस, ड्यू टू प्राइस ना बेटा, हाँ। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, क्या एग्जाम्पल चाहिए, प्राइस ऑफ कमोडिटी, बराबर ना, एंड दैट टू ओनली ओरिजिनल कमोडिटी की प्राइस, हाँ ए हेलो, रिलेटेड कमोडिटी की प्राइस चेंज हो गई, उसके वजह से अगर आपकी डिमांड बदल गई ना तो उसको इंक्रीज डिक्रीज कहेंगे। हाँ अब ध्यान से सुनो, सुनो गौर से दुनिया वालों, सो अब अगर आप देखोगे, सो लेट अस से ये जो है ओरिजिनल क्वांटिटी एंड प्राइस, ठीक है, ध्यान देने तो इच्छा धोएगा ना बिना साबुन पानी के, 10 जन्म तक नहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रखना। हाँ पढ़ाई करने आया ना, हाँ पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई। सो प्राइस एंड क्वांटिटी समझ में आया आपको, सो प्राइस एंड क्वांटिटी यहां पे अगर देखे तो आप मुझे बताओ, अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी ना, ये बोलो। सो अब यहां पे आपकी क्वांटिटी कम हो गई किसके वजह से, सो विल वी से दैट द डिमांड हैज डिक्रीज्ड और इट हैज कॉन्ट्रैक्टेड, हाँ कॉन्ट्रैक्टेड ना। सो यहां पे जो लेफ्टवर्ड मूवमेंट है ना आपकी, जरा ध्यान दो, ये जो आपकी लेफ्टवर्ड मूवमेंट है यहां से ओरिजिनल पॉइंट से, इसको क्या कहेंगे, और तू एडीए के एक्सपेंशन कैसे बोलती है, तेरी नींद हुई है क्या, नहीं तो तू सो जा 10 मिनट, ये यूट्यूब पे देख लेना तू लेक्चर। इसको क्या कहेंगे अपन, कॉन्ट्रैक्शन। मेरे पेन को चक्कर आ गए तेरे ऐसे क्वेरी सुन, ऐसे मत कर रहे तू गरीब के साथ, इसे क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। आई बात समझ में आपको, समझा क्या ये, उसको नहीं बोलना है, पहले नहीं बोल रही थी, क्या समझा बता, ये मैं कितना इज्जत में समझा रहा ना, तू बाद में पूछ, ऐसे एड़े कैसे कर मत रे, हार्ट अटैक आ रहा मेरे को दिमाग में। ओ ऐसे सवाल पूछ रही तो होगा ना। सो यहां पे आप देखोगे प्राइस टू और यहां पे क्वांटिटी टू, तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, डिमांड बढ़ी या घटी, बड़ी बड़ी ना, वो वायरस फैल रहा है वो साइड में सड़क थोड़ा है ना। सो डिमांड बढ़ी या घटी, बोलते क्यों नहीं,
बड़ी ना, बिकॉज ऑफ प्राइस और अदर देन प्राइस, बिकॉज ऑफ प्राइस. सो यहां पे इसको अपन इंक्रीज डिक्रीज कहेंगे या एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन? तो इसको सिर्फ कहेंगे अपन क्या? एक्सपेंशन. समझा क्या आपको? डिमांड कर्व एक ही है, सो इट इज जस्ट इधर एक्सपांडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग. बेटा गुब्बारे को इमेजिन करो, याद आया क्या बचपन में पढ़ाया था क्लास में? इसके लिए मेरे को वो गुब्बारे का एग्जांपल देना पड़ता है. तुम तब बोल रहे थे अरे सर क्या कर रहे तुम. सो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, एनी डिफिकल्टी टिल हियर? आगे बढ़ सकता हूं मैं यहां से. सो दिस इज व्हाट इज इंक्रीज डिक्रीज एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात हुई, डिमांड कर्व्स के बारे में बात हो गई. सो इसी के साथ आप अगर देखोगे तो मेजर पार्ट ऑफ व्हाट द डिमांड इज ओवर. अब देखो वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड, ये आप आराम से घर पे जाके पढ़ सकते हैं. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं, समझाने लायक कोई चीज नहीं है. ठीक है ना, ऐसे गुस्सा मत करने का, चलेगा ना? तो ऐसे गुस्सा क्यों कर रही तू? गुस्सा मत कर, ठीक है? हाँ ऐसे ही हंसती रहे तो समझ में आएगा सबको. बोलो यस और नो. सो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर जा सकते हैं क्या? ओके. सो अब यहां पे हम लोग देखो, और अब सप्लाई भी खत्म हो चुका है, हो गया ना? सप्लाई इज व्हाट? ऑपोजिट ऑफ डिमांड. बस इतना ध्यान में रखना, सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. सप्लाई इज नॉट अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, इट इज व्हाट? अ फ्लो कॉन्सेप्ट. प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई, प्राइस कम होगी तो सप्लाई, बराबर. वैसे उसके डिटर्मिनेंट्स है और उसके डायग्राम्स भी है, उल्टे उल्टे सब करते जाना, पर उल्टी मत करना बस. अब यहां से अपन बात करेंगे किसके बारे में? ए बोलो, यूटिलिटी. सो यूटिलिटी अभी अपन पढ़ने वाले हैं. अपने आप को संभालना एकदम मस्त. क्या हुआ? ओके. अरे जिंदगी पड़ी है खाना खाने के लिए, गवार. ओके सो वी नाउ टॉक अबाउट व्हाट? तू चुप बैठने का, यू से यू डाई. ओके सो वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट? यूटिलिटी. ए मत बातें करो रे, बहुत पढ़ना है अभी तक. आपको ऐसे लग रहा होगा डिमांड हो गया मतलब अरे सब आ गया, ऐसे ईडे कैसे करो मत, है ना? बौखला गए हो जो तुम. ओके सो व्हाट इज यूटिलिटी? मैं बोल रहा हूं यूटिलिटी इज व्हाट? सो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज व्हाट? द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज व्हाट? यूटिलिटी. बराबर के नहीं? सो यूटिलिटी की अगर अपन बात करें, तू पहले से ही ध्यान देना रे, तू लगे तो कुछ लिख मत. सो यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फैक्शन, बिकॉज यूटिलिटी इज द एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन. द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज व्हाट? यूटिलिटी. It is the anticipated satisfaction and not the actual satisfaction. Utility is not equal to pleasure. And utility is also not equal to usefulness. ठीक है ना? ये बात होती है utility के बारे में. आई बात समझ में आपको? Yes. See, try to understand. अभी इतनी देर से मैं बोल रहा हूं. I am thirsty. So I see this water bottle. So does this water has got my want satisfying power? Yes. मेरी want क्या है अभी? Water. Water. Do I see water in front of me? Yes. Do I feel that it can satisfy my want? Yes. So do I say that it has got utility in it? Yes. बोले yes or no? Yes. So without consuming, can I say that this bottle has got utility? अरे yes ना. कैसे ना बोल रही तू?
मैं वापस से बोलता हूं, मुझे अभी क्या लगी, प्यास लगी है क्या मेरे को? ये बोलो ना, एम आई थर्स्टी? यस, थर्स्टी करो की स्टोरी नहीं सुना रहा हूं, यहां फोकस करो, एम आई थर्स्टी राइट नाउ? यस. एंड डू यू सी दैट दिस वॉटर इज ओवर हियर? बोलो हाँ या ना. डज दिस वॉटर हैज द पावर टू सेटिस्फाई माई वॉन्ट? वॉट इज वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी? सो विदाउट कंज्यूमिंग कैन आई से दैट इट हैज गॉट वॉट यूटिलिटी? यस ना. मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि इसमें सेटिस्फाइंग पावर है करके. दिस कमोडिटी हैज गॉट द पावर ऑफ सेटिस्फाइंग माई वॉन्ट. तो मुझे उसको एक्चुअली कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है ये पता करने के लिए कि उसमें सेटिस्फाइंग पावर है या नहीं. सेटिस्फाइंग पावर देख के बताऊंगा ना मैं. अरे बोलो यस और नो. सो देयरफॉर यूटिलिटी इज कॉल्ड एज व्हाट? द एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन. बट अब मैंने क्या किया, ध्यान से सुनो. आई कंज्यूम्ड, अब मैंने पिया पानी, तो अब मुझे क्या मिला? सेटिस्फैक्शन. दैट इज द एक्चुअल सेटिस्फैक्शन. आई बात समझ में? सो अब यहां पे बात समझो, यूटिलिटी एंड एक्चुअल सेटिस्फैक्शन, कैन इट बी सेम और डिफरेंट? इट कैन बी सेम एज वेल एज व्हाट? डिफरेंट आल्सो. इमेजिन करो, आई एंटिसिपेटेड इट विल सेटिस्फाई माय वांट. पानी है, मस्त एकदम दिख रहा है, बट मैं पिया तो एकदम वो खारा नमक का पानी. क्या वो मेरी वांट को सेटिस्फाई करेगा क्या? नहीं. बट देख के मेरे को लगा था ना इसके अंदर यूटिलिटी है करके. तो मेरे को यूटिलिटी लगी थी इसमें है, बट एक्चुअल सेटिस्फैक्शन कैन बी डिफरेंट फ्रॉम यूटिलिटी, राइट? आई कैन गेट मोर सेटिस्फैक्शन और आई कैन गेट लेस सेटिस्फैक्शन. एक सिंपल एग्जाम्पल, जैसे मान लो आप क्लास में आए, आपने देखा अरे इंसान क्या पढ़ाएंगे यार, तो शायद आप एंटिसिपेट कर रहे थे अ वेरी लेस यूटिलिटी, बराबर? यू आर एंटिसिपेटिंग लेस सेटिस्फैक्शन. बट जैसे पढ़ाना शुरू करा, अरे माँ कसम क्या पढ़ा रहा है आदमी जोरदार, तो आपका जो एक्चुअल सेटिस्फैक्शन है इट कैन बी वॉट? मच हायर. बोलो यस और नो. सो देयरफॉर यूटिलिटी इज वॉट? द एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन. वेर एज सेटिस्फैक्शन इज द एक्चुअल सेटिस्फैक्शन. बराबर कि नहीं? इस बात पे मैं पानी पी लेता हूं, तुम भी पी लो. ये सुन बेटा, अगर तेरा मन नहीं लग रहा ना तो जा ढूंढ नीचे ऑफिस. ए बोलो यस और नो. समझ में आया व्हाट इज यूटिलिटी? सो आगे बढ़ सकता हूं मैं यहां से? यस. सो यहां पे कुछ हम लोग अजम्पशंस की बात करेंगे. फर्स्ट अजम्पशन, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड. मेजर कर सकते. देखो, अगर आपने पानी पिया या पानी पीने के पहले आपको कितना सेटिस्फैक्शन एंटिसिपेट करोगे? थोड़ा, बहुत ज्यादा, सर मिलेगा, बट क्वांटिफाई कर सकते क्या उसको? इसके लिए अजम्पशन कि तुम क्वांटिफाई कर सकते. तुम बोलोगे हो ना सर ठीक है, अजम्पशन ले लिया, बट कैसे क्वांटिफाई करने का बेस क्या है? सो मनी इज वॉट? द मेजरिंग रॉड. मनी क्या है दोस्तों? इज द मेजरिंग रॉड. पैसों को मद्देनजर रखते हुए आप कंपेयर करोगे हाउ मच यूटिलिटी यू डिराइव. सिंपल एग्जाम्पल, अ वॉटर बॉटल विल कॉस्ट यू राइट से 20 rupees. सो देन यू एंटिसिपेट कि 20 rupees तो यूटिलिटी कितनी मिली? 25, 30, बेस्ड ऑन द सेटिस्फैक्शन यू आर गोइंग टू गेट. आई बात समझ में? यस. कैन बी मेजर्ड अजम्पशन. ध्यान में रखना, दो अप्रोच से अपन आगे आएंगे. एक अप्रोच में मेजर कर सकते, दूसरे इसमें नहीं कर सकते. तो वैसा आपको आंसर आएगा. इतना गया गुजरा क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, सिर्फ कि है ना, मतलब नहीं है, डाउट इज ओके, बट इतना भी एकदम ऐसे ऐसे बोलेंगे नहीं. ऐसे वो अप्रोच देंगे, कार्डिनल या ऑर्डिनल, उसके हिसाब से फिर यू राइट योर आंसर.
ओके, सो यहां पे अपन एग्जांपल लिखते हैं, ध्यान से सुनना, क्वांटिटी, यूटिलिटी, ठीक है ना। अब जैसे अगर मान लो आप अभी क्या खा रहे हो, आइसक्रीम, बाद में लूंगा मैं पार्टी, तू टेंशन मत ले, कितना एक्साइटेड हो मेरे को पार्टी देने के लिए, तू टेंशन मत ले, मैं मना नहीं करता पार्टी के लिए, देंगा ना तू, हाँ फंस गया बेचारा। सो अब अपन बात करते हैं क्वांटिटी की, तो फर्स्ट आइसक्रीम, फर्स्ट यूनिट क्या हो गए, मान के चलो प्राइस इज व्हाट 40, बराबर कि नहीं, चोको चिप आइसक्रीम मस्त है एकदम टेस्टी नेचुरल्स की। अब क्या है सर, कभी खाया नहीं क्या जिंदगी में, भूखे नंगे ऐसे कर रहे हो कैसे रे, भूख लग रही, आइसक्रीम से भूख मरती है क्या है सर, हाँ वीवर ऑन आइसक्रीम चोको चिप विद ऊपर चॉकलेट सॉस डालेंगे, हाँ और चिल्ला सर, हाँ विद वैफल कोन, हाँ तो बेटा यूटिलिटी एंटीसिपेट करोगे ना, कुछ ऐसा भारी दिख रहा है एकदम, है ना, हाँ खून मत खोला ना, इंटरनेट चालू करके दिखा दूंगा आइसक्रीम और, हाँ सो यूटिलिटी कितनी मिली बेटा, 40 रुपए की आइसक्रीम है गधेड़े, तो एक यूटिलिटी मिलेगा थोड़ा अच्छे से, कुछ तो इज्जत रख आइसक्रीम की, कितनी 40 से कम या ज्यादा, ज्यादा ना, तो कितना बेटा, मैं कूदू क्या यहां से, तू चाहता है मैं यहां से कूदू, हाँ तो बोलना ऐसे, सो 40 रुपीज की आइसक्रीम द मेजरिंग रॉड इज व्हाट 40, सो ही सेज 50 मिली यूटिलिटी, ठीक है ना। फिर उसके बाद सेकेंड लगेज आपको देंगे, तो व्हाट डू यू एंटिसिपेट, आपका थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल गया ना, तो इंटेंसिटी आपकी कंज्यूम करने की कम हो गई है या बढ़ गई है, कम हो गई है, तो अब हाउ मच सेटिस्फेक्शन डू यू एंटिसिपेट, जैसे अरे आप समझो कॉन्सेप्ट को, आपको भयंकर प्यास लगी है, आपके सामने पानी का बॉटल है, सो हाउ मच सेटिस्फेक्शन डू यू एंटिसिपेट, मोर, बट जब आप थोड़ा पानी पी लेते हो फिर वापस से आपके सामने और एक बॉटल आती है, यू एंटिसिपेट अ सेटिस्फेक्शन, बट पहले से कम या ज्यादा, कम, सो ऐसे करके इसको अपन लिखते हैं 40, फिर 30, फिर 20, 10, 0, बराबर कि नहीं, और सेवेंथ में उल्टी कर देगा वो, बोलेगा सर शी क्या अभी उसने किया उल्टी, मैं क्या करूं, अब उसने इतने सारे आइसक्रीम खाए ना, मना किया था, बोला सर मैं सेटिस्फाई भी हो चुका है, बोला और खा खा, फिर गया, समझ रहे क्या बात आप, क्या हुआ, मैं खा सकता, मेरे पेट में अलग से आइसक्रीम का डब्बा है, ठीक है ना, हाँ अरे बेटा उम्र के साथ साथ पेट भी बढ़ता, तू कितना बारीक है, तू छोटा है अभी, ओके सो अब यहां से कॉन्सेंट्रेट करना है, तुझे कितना है रे, सो अब अपन बात करेंगे, ए चलो कॉन्सेंट, अब अपन बात करेंगे अबाउट टोटल यूटिलिटी, सो टोटल यूटिलिटी फर्स्ट में कितनी हो गई 50, सेकंड में कितनी हो गई 90, दैट इज 50 प्लस 40, दो यूनिट्स का मिला के दैट इज टोटल यूटिलिटी, बराबर, फिर थर्ड का कितना हो गया 120 140 150 150 140, दिस इज टोटल यूटिलिटी, देन वी टॉक अबाउट व्हाट इज द मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल सेटिस्फैक्शन यू विल डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ वन एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट, सो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला अगर आपको चाहिए, सो इट इज टोटल यूटिलिटी एट एन माइनस टोटल यूटिलिटी एट एन माइनस वन, या तो ये समझ लो पहले, तो फर्स्ट कितना हो गया मार्जिनल यूटिलिटी 50 40 30 20 10 0 माइनस 10, बहुत हुशियार है मैं, समझा गया आपको,
तो एक यूनिट को कंज्यूम करने से कितना आपको एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिला इज कॉल्ड एस व्हाट, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। और फिर अब अगर मैं यहां पे समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी लिख दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल यूटिलिटी। आई बात समझ में आपको, बोलो यस और नो। एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से आपको कितना एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिली इज कॉल्ड एस व्हाट, मार्जिनल यूटिलिटी। देखो एक यूनिट को कंज्यूम करने से कितनी मिली थी, 50। दो यूनिट्स को कंज्यूम करने से टोटल कितनी मिली, 90। तो डिफरेंस कितना हो गया, 40। सो 40 इज व्हाट योर मार्जिनल यूटिलिटी। जमी क्या बात आपको यहां पे, बोलो यस और नो। यस, रिमेंबर इट इज मार्जिन का मतलब क्या होता है, एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से कितनी एक्स्ट्रा यूनिट, एक एक्स्ट्रा यूनिट। कभी कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे दे सकते हैं, क्वांटिटी आपको लिखेंगे, यहां पे आपको लिखेंगे यूटिलिटी, फिर आपको बोलेंगे 1, बोलेंगे 20, 4 बोलेंगे 60, फाइंड मार्जिनल यूटिलिटी। फिर आप बोलोगे सर यहां पे n माइनस 1 का फॉर्मूला सर आपने दिया, बस सर अब ये तो फॉर्मूला लगाएंगे नहीं 3 की, क्योंकि है ही नहीं यूटिलिटी। सो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी वाला फॉर्मूला, एंड दैट इज व्हाट, 40 डिवाइडेड बाय 3, व्हाटएवर इज द आंसर इज व्हाट, द यूटिलिटी, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। सो ये एक फॉर्मूला आप भूलना नहीं। आई बात समझ में आपको, बोलो हाँ या ना। यस, आगे बढ़ू यहां से। फिर उसके बाद आप अगर देखोगे तो यूटिलिटी क्या गिरते जा रही है, बढ़ते जा रही है, ए बोलो ना, गिरते जा रही है ना। सो ये जो अप्रोच है, जो मार्जिनल यूटिलिटी गिरते जा रही है, इसे अपन कहते हैं क्या, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहेंगे इसको अपन, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, बराबर कि नहीं। और ये दिया किसने, बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। आई बात समझ में आपको, इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, क्वांटिटी यूटिलिटी, सिंस यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी, नंबर्स के साथ आप कंपेयर कर सकते हो। टोटल यूटिलिटी इज राइजिंग, रीचेस मैक्सिमम एंड देन फॉल्स, मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूस टू फॉल, दिख रहा है क्या आपको, बट दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम ही है क्या, तो ये अपना डायग्राम हो गया। समझ में आया क्या आपको, बोलो यस और नो। सो यहां पे अगर आप देखोगे रिलेशनशिप, इनके बीच में का रिश्ता क्या कहलाता है, सो व्हेन TU इज राइजिंग MU इज फॉलिंग, व्हेन TU इज मैक्सिमम MU इज मिनिमम, TU इज फॉलिंग MU इज नेगेटिव, ये रिश्ता है, बोलो यस और नो। यस, फिर इसके बाद अपन बात करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की, किसकी बात करेंगे दोस्तों, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की, सुनने के लिए तैयार हो क्या आप लोग। सी यहां पे अगर हम लोग यूटिलिटी के साथ साथ अगर हम लोग प्राइस भी लगाते हैं, सो यहां पे हम लोग जहां पे मार्केट प्राइस इक्वल हो जाता है मार्जिनल यूटिलिटी को, हम लोग क्या कहेंगे, द कंज्यूमर हैज रीच्ड व्हाट इट्स इक्विलिब्रियम, व्हेन एमपी इज इक्वल टू एमयू कंज्यूमर रीचेस व्हाट इट्स इक्विलिब्रियम। डू यू अग्री विद दिस, सच्ची सच्ची बोलो, अरे यस और नो, व्हेन एमपी इज इक्वल टू एमयू कंज्यूमर रीचेस व्हाट इट्स इक्विलिब्रियम। तो यहां पे इसके ऊपर अगर उसको यूटिलिटी मिलती होंगी, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, द कंज्यूमर्स सरप्लस, बिकॉज दैट व्हाट ही इज विलिंग टू पे एंड मार्केट प्राइस इज व्हाट ही एक्चुअली पेस। आई बात समझ में आपको, बोले यस और नो, नहीं समझा, वेरी गुड, ध्यान से सुनना। क्वांटिटी की बात करते हैं यहां पे हम लोग बात करते हैं प्राइस की, यहां पे हम लोग बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की, ठीक है ना। यहां पे क्वांटिटी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखता हूं, प्राइस इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस इज अज्यूम टू बी व्हाट, कांस्टेंट, सो वी कीप इट 40।
फर्स्ट यूनिट जब आप आइसक्रीम कंज्यूम करने वाले हो या कंज्यूम करने के पहले यूटिलिटी यू एंटिसिपेट इज 70. फिर आपको बोला एक कंज्यूम करने के बाद और खाओगे, तो आप बोले हाँ सर, तो आप यूटिलिटी एंटिसिपेट करते हो कितने, 50. फिर और एक खाने को बोला, आप अज्यूम करते हो यूटिलिटी मिलती है कितनी, 40. देन इट गोज टू 20 एंड देन इट गोज टू व्हाट, 10. ध्यान से सुनना. सो अब यहां पे अगर आप देखोगे, सो यहां पे ये आप 70 या 50 आप कैसे बोलते हो, सो दिस इज व्हाट यू आर विलिंग टू पे. समझ रहे क्या? आप क्वांटिफाई कैसे करोगे? सर ऐसी आइसक्रीम को तो मैं 70 रुपए देने को भी तैयार हूं, बट मैं खाऊंगा. भाई कभी कभी होता है ना, आप कभी कुछ शॉपिंग को जाते हो आप बाजार में, तो आप मान लो टी शर्ट खरीदते हो, तो व्हाट हैपेंस इज टी शर्ट खरीदते समय आप बोलते यू आर रेडी टू पे व्हाट, 1000 ऑल्सो फॉर दिस टी शर्ट. बहुत जोरदार टी शर्ट, ऐसा कहीं किसी के पास है भी नहीं. सो यू आर रेडी टू पे व्हाट, 1000 रुपीज. व्हाट इज दैट 1000? That 1000 is nothing but what the utility you expect. This is what you anticipate. Mobile phone. ये phone को आप कितना देने के लिए तैयार हैं? बोलो any amount. 60,000. So this is the utility what you expect. The measuring rod is what, money. So 60,000 is the utility you expect. बराबर के नहीं? फिर अब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि अरे ये तो 30,000 रुपए में. So 60,000 you anticipate, you actually pay what, 30,000. That difference is what your consumer surplus. समझा नहीं समझा आपको? What you are willing to pay minus what you actually pay. कभी कभी मार्केट में जाते अपने को नॉलेज नहीं होता इसका बाजार में रेट क्या है, बट अपन एक मन बना लेते चल भाई 1000-1500 तक आ जाना चाहिए. अभी आप कैलकुलेटर खरीदने जाओगे, अब मैंने इतने साल हो गए कैलकुलेटर मैंने परचेस नहीं किया. मैंने CA बनने से लेके अभी तक कैलकुलेटर परचेस नहीं किया, बींग 6-7 years. आज तक कैलकुलेटर परचेस नहीं किया, तो आई डोंट नो हाउ मच इट कॉस्ट नाउ. अब मैं जब खरीदता था तब मिलता था 100-150 रुपए में, ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब अगर मान लो मुझे आइडिया ही नहीं है कि अभी उसके रेट क्या है, मैं मार्केट में जाता हूँ, मैं सोचता हूँ चल यार ट्रिपल हो गए होंगे भाव 6-7 साल में, तो आई एम रेडी टू पे व्हाट, 300 रुपीज. बट जब मैं जाके देता हूँ उससे कैलकुलेटर, वो बोलता है सर अभी भी 150 रुपए का ही है. So that extra 150 is what, my surplus, because I was ready to pay how much, 300. How much I actually paid, 150. That is my consumer surplus. So this is how you also decide what your utility. मैं इस आइसक्रीम के कप को 70 रुपीज देने के लिए तैयार हूं, अच्छा बट है कितनी प्राइस उसकी, 40. सो यूटिलिटी वॉट यू एक्सपेक्ट इज 70. सेकेंड जब आपको सेकेंड कप आपको देंगे तो वो बोलते हैं मैं 70 रुपीज तो नहीं दे रहा, मैं कितना देंगे इसको, 50 देंगे. 50 इज वॉट यू एंटिसिपेट. अब आप 40 पे आ गए तो आप क्या बोलते हैं, मैं इसको 40 देंगे और एक्चुअली प्राइस कितनी है, 40. सो हम कहते हैं ये तो भैया मैच हो गया ना, ये तो कंज्यूमर कहां पे रीच हो गया, इक्विलिब्रियम पे. फिर उसके बाद आपको बोलते हैं और एक आइसक्रीम, बोलो और एक आइसक्रीम, बोलते मैं नहीं खाऊंगा और एक आइसक्रीम, क्योंकि अब मेरे को वर्ती नहीं है वो, मेरे को वर्ती नहीं लगती और खानी आइसक्रीम, मैं 40 रुपए और क्यों दूं, तो क्यों वर्ती नहीं लग रही, क्योंकि मेरे को लगता है ये 20 रुपए में मेरे को 20 यूटिलिटी मिल रही है, 40 से कम यूटिलिटी मिल रही है, देयरफॉर आई डोंट परचेस दैट आइसक्रीम. फिर एक टाइम भी आता है ना, आपको देखेगा आपको भी बोलेगा अब मेरे को कोई फ्री में भी देगा ना आइसक्रीम तो भी नहीं खाएंगा मैं, क्योंकि उसकी यूटिलिटी अब आपको क्या हो चुकी है, बिल्कुल भी खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है. बराबर कि नहीं? सो जब यहां पे उसका प्राइस और यूटिलिटी एक हो जाएगी, उस समय पे अपन क्या कहेंगे, कंज्यूमर रीचेज इट्स इक्विलिब्रियम. जब तक वो ऊपर है उसको क्या कहेंगे अपन, उसका सरप्लस. दिस इज व्हाट इज द मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस गिवन बाय हूं, अल्फ्रेड मार्शल. फिर इसका और एक दूसरा पार्ट है, वो कौन सा है अपना, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस. So what is this indifference curve analysis? एकदम ध्यान से अच्छे से मन लगा के सुनना. Indifference curve analysis is given by whom? Hicks and Allen. कौन दिया बच्चों ये? Hicks and Allen. So Hicks and Allen साहब ने indifference curve analysis क्यों दिया? क्योंकि वो क्या कहते हैं कि यार utility measure करना है ना फालतूगिरी है. It is not realistic. You cannot measure what? Utility. Can you measure utility? No, it is not possible. But it is not possible to measure utility, but it is possible to do what? Rank the utility.
डू यू अग्री? रैंकिंग कर सकते हैं. अगर आपको बोलता हूं कोल्ड कॉफी, चॉकलेट मिल्क शेक, उसके बाद ओरियो शेक, ओरियो शेक, और क्या चाहिए आपको? किटकैट शेक. सो अब अगर ये देखोगे तो ये अलग अलग प्रोडक्ट्स है, बराबर. हर एक में आपको जो यूटिलिटी मिलेगी वो यूटिलिटी सेम होगी कि अलग अलग होगी? बोलते क्यों नहीं, अलग अलग होगी. सो कैन यू रैंक? ओके, आई विल फर्स्ट प्रेफर दिस, सेकेंड दिस, थर्ड दिस, फोर्थ दिस. आपके हिसाब से रैंकिंग तो आप कर सकते हैं ना. हाउ मच सेटिस्फैक्शन यू विल गेट क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है, बट उसको रैंक करना इजी है ना. बोले यस और नो? यस. सो देयरफॉर विद दिस कॉन्सेप्ट केम व्हाट? इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस. इनडिफरेंस कर्व में हम लोग वापस से जो बचपन में खेले थे, वापस से हम लोग को क्या है, हमको यहां पे कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं. कॉम्बिनेशन लेट से फूड, एंड लेट से ओवर हियर इज व्हाट? क्लोथिंग. एंड अब यहां पे हम लोग लिखेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं, बट क्या लिखेंगे? MRS, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. अब सर ये क्या है? व्हाट इज दिस? कॉम्बिनेशन ए, एक वक्त का खाना और लेट से 10 जोड़ी कपड़े. कैन दिस गिव यू वन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन? बट ध्यान से सुनना, यहां पे कॉम्बिनेशन में आपके दोनों गुड्स आने चाहिए. वो प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी थी या आपके कंज्यूम करने का ये है कॉम्बिनेशन. सो मेरे कॉम्बिनेशन में दोनों आना बहुत जरूरी, बिकॉज आई एम गोइंग टू कंज्यूम इट, नॉट प्रोड्यूसिंग. सेकेंड इसमें अब आपको बोलते हैं दो वक्त का खाना खाओगे, बट अब रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड है ना अपने पास, है क्या? लिमिटेड. यस. तो अब इसके लिए अगर आपको वो एक एक्स्ट्रा वक्त का खाना चाहिए तो आपको क्लोथिंग में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा क्या? क्यों करना पड़ेगा? रिसोर्सेस तो लिमिटेड है ही है, बट अब यहां पे कंज्यूमर को क्या रहना है बच्चों? इनडिफरेंट रहना है. मतलब इसको हर कॉम्बिनेशन पे क्या चाहिए? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. उसको क्या चाहिए हर लेवल पे? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. सर समझ में आ रहा नहीं है? ध्यान से सुनो. Why do we want the same level of satisfaction? Because that is what we are talking about. Indifference curve. Farak nahi padna chahiye. You select any of the option. All those levels will give you what? Same level of satisfaction. So, ab yahan pe samjho, aap ek vakt ka khana kha rahe ho. Barabar. Aur aapke paas 10 jodi kapde hai. Wow. Ab mummy aapko bolti hai, बेटा तेको दो वक्त का खाना चाहिए क्या? अपन खुश हो जाते हैं, यस मम्मी चाहिए. सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ा के कम हुआ? बढ़ा. पहले जो लेवल पे थे उससे अब वो सेटिस्फैक्शन लेवल कम हुआ या बढ़ा? बढ़ा ना. बट अपने को इंडिफरेंस कर्व में क्या मेंटेन करना है? सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन ना. तो कहीं आपको खुशी मिली तो कहीं आपको गम भी तो सहना पड़ेगा टू मेंटेन दैट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. तो इसके लिए मम्मी बोलती, चल ठीक है दो वक्त का खाना दिया, चल 6-4 जोड़ी कपड़े लेके आ, चल इधर, ये नहीं मिलेंगे तेरे को. क्या मम्मी? फिर आपका सेटिस्फैक्शन लेवल वापस से गिरा गया एंड यू आर ऑन द सेम लेवल. उसके बाद क्या होता है? आपको थर्ड कॉम्बिनेशन दिया, तीन वक्त का खाना. बेटा ब्रेकफास्ट भी करेगा क्या तू? हाँ करूंगा, ठीक है देना है तो दे दो. अब दो वक्त के खाने में अपन सेटिस्फाइड है ना, तो अपना सेटिस्फैक्शन लेवल एकदम से बढ़ता है या थोड़ा बढ़ता है? थोड़ा बढ़ता ना. तो अपन सैक्रिफाइस, मम्मी बोलेंगे ला बेटा 4-6 जोड़ी कपड़े दे, अपन बोले मैं नहीं देगा. तो अपन सैक्रिफाइस भी कम करेंगे या ज्यादा करेंगे? कम करेंगे, क्योंकि अपना सेटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज कितना हुआ था? कम. तो अपन सैक्रिफाइस भी कितना करेंगे? कम. सो यहां पे फिर आई गिव व्हाट? ओनली 2. 4 रखता हूं ना, बट 2 दे देता हूं, सैक्रिफाइस करता हूं उतना. समझा या नहीं समझा आपको? बोलो यस और नो? यस. तो दिस इज वॉट
वी सैक्रिफाइस, क्या करते हैं अपन, ये सैक्रिफाइस करते हैं। अब सैक्रिफाइस करते हैं मतलब ही क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग व्हाट, सब्स्टिट्यूटिंग वन थिंग फॉर अनदर, दैट इज एक एक्स्ट्रा यूनिट को पाने के लिए आपने कितना सब्स्टिट्यूशन किया उसे अपन कहते हैं क्या, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एंड यू कैन सी दिस इज व्हाट गोइंग डाउन और अप, डाउन। सो देयरफॉर हियर योर इंडिफरेंस कर्व विल बी कॉनकेव के कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, सो इट विल बी व्हाट, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इंक्रीजिंग होता तो कॉनकेव, कॉन्स्टेंट होता तो स्ट्रेट लाइन। समझा नहीं समझा, बोलो यस और नो। यस, प्रॉपर्टीज इंडिफरेंस कर्व की क्या है, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर टच ईदर ऑफ द एक्सेस। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट एक सिंपल तरीके समझा रहा हूं, फिर अपना ये टॉपिक ओवर। ध्यान से सुनना, अज्यूम, ये दोस्तों ध्यान देना, फूड एंड क्लोथिंग, दो मिनट रुक जाना बेटा, मेरे को देख बताओ, देखो कितने फोन आए मेरे को, बताओ बताओ बताओ, नहीं ना, दो मिनट रुक। थर्ड, अभी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, तो पहले ही बहुत स्ट्रेस लग रही है, आज झगड़ा हुआ किसी से, नहीं ना, तो शांत है इसीलिए, शांति में क्रांति करती है तो। ओके, ध्यान देना, सो हियर वी टॉक अबाउट, लेट्स से आई हैव 2000 रुपीज, वाओ कितना अमीर है, देखा पूरे 2000 रुपए बाद में। सो अज्यूम आई हैव 2000 रुपीज, नाउ अज्यूम यू विल गेट पार्टी, सो अज्यूमिंग आई हैव 2000 रुपीज एंड आई स्पेंड ऑल माई मनी ऑन फूड, आई कैन हैव दिस मच ऑफ फूड, आई कैन हैव दिस मच ऑफ फूड एंड अज्यूमिंग आई स्पेंड ऑल माई मनी ऑन क्लोदिंग, आई कैन हैव दिस मेनी क्लोथ्स, अज्यूमिंग आई स्पेंड ऑल माई मनी ईदर और, बराबर के नहीं, तो जब मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूं ना, ये बन जाती है क्या, बजट लाइन। सही है एकदम, तो इसके अंदर मुझे कॉम्बिनेशन मिलेगा ना बराबर से, कि अगर मैंने इतना फूड लिया तो इतना मेरे पास पैसा बचेगा क्लोथ्स के लिए, अगर मैंने फूड कम किया तो मेरे को क्लोथ्स के लिए ज्यादा मिलेगा, सिंपल सी बात है, बोले यस और नो, यस, दिस इज माय बजट लाइन। सो अब जब इस बजट लाइन को मेरा इनडिफरेंस कर्व टेंजेंसी पे मिलेगा ना, उस टाइम पे मैं कहूंगा द कंज्यूमर हैज रीच्ड व्हाट इट्स इक्विलिब्रियम। दैट्स इट फॉर द टॉपिक ऑफ यूटिलिटी। आई बात समझ में आपको, खत्म। सो इसी के साथ हम लोग हमारा सेकेंड यूनिट जो है वो खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, बाय बाय बाय। तो लेट्स स्टार्ट, फिर से शुरू कर रहे हैं। ओके, सो गाइज, अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट, थियोरी ऑफ प्रोडक्शन। थियोरी ऑफ प्रोडक्शन में जो बेसिक चीज है अपनी जो है, प्रोडक्शन का मतलब होता है, ध्यान में रखना, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोडक्शन। इसमें अलग टाइप की यूटिलिटीज हम लोग दिखते हैं, कौन सी है, फॉर्म यूटिलिटी, चुप बैठने का भी सुनने का, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड सर्विस यूटिलिटी। बट इन यूटिलिटीज को क्रिएट करने के लिए व्हाट वी नीड इज रिसोर्सेस। क्या चाहिए अपने को, रिसोर्सेस। सो देर आर डिफरेंट रिसोर्सेस विच वी कॉल इट एज द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहते हैं इसे, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दीज डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड आखिरी में हम लोग बात करते हैं अबाउट द एंटरप्रेन्योर। ठीक है ना,
So land is a free gift of nature. Labor is the work which is being conducted. Capital is a part of wealth used for further production of wealth. An entrepreneur is the innovator, बराबर, is the risk taker, is the manager. ये सारा काम जो है वो कौन करता है? वो entrepreneur, बराबर. फिर ये जो सब हम लोग production करते हैं ना, so ये सारा का सारा production जो होता है, ये सारा का सारा production होता है under two runs. एक है under short run, सुन रहे ना आप लोग, और दूसरा production होता है under long run. So एक है short run, दूसरा है long run. Short run is a period which is too short. मतलब क्या सर? इसके अंदर one factor of production जो है, it is what? Fixed. And जो other factors है, ये क्या है? Variable. ठीक है ना? But in the long run, all factors become what? All factors are variable. Therefore, the short run, the law what we use is called as what? Law of variable proportion. क्या कहते हैं इसे? Law of variable proportion. उसके बाद next हम लोग बात करते हैं law of returns to scale. So ये ऐसे different different factors of production है. Any difficulty till here? एकदम आसान है. ओके, आगे बढ़ते हैं. फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या होता है? जैसे हमने कहा एक फैक्टर क्या है? फिक्स्ड है. एक फैक्टर क्या है दोस्तों? फिक्स्ड है. बाकी सारे फैक्टर्स क्या है? वेरिएबल है. करेक्ट है ना? एक फैक्टर क्या है? फिक्स्ड. दूसरे बाकी सारे क्या है? वेरिएबल. सो इसके लिए आप अगर इमेजिन करोगे एक सिंपल सा एग्जाम्पल, एक मशीन है, एक मशीन में बेस्ट चार लोग यूज कर काम कर सकते हैं, बराबर, चार लोग फॉर व्हाट? इट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन. कैसे यूटिलाइजेशन के लिए? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए. बट अब समझ लो इस मशीन के ऊपर एक व्यक्ति आता है, सो ही कैन प्रोड्यूस फ्यू यूनिट्स, राइट? ही कैन प्रोड्यूस फ्यू यूनिट्स. सो लेट्स से ही प्रोड्यूसेस व्हाट? 100 यूनिट्स. उसके अब बाद दूसरा व्यक्ति आता है, ये दोनों मिलके ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं या कम प्रोड्यूस कर सकते हैं? ज्यादा. लेट्स से दोनों मिलके 210 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं. व्हाई? रीजन इज वेरी सिंपल. इसके जितने भी प्रोसेसेस है ना इस मशीन के ऊपर, क्या कह रहा हूं मैं, इसके जितने भी प्रोसेस है इस मशीन के ऊपर, पहले एक व्यक्ति अकेला पूरा स्टार्ट टू एंड वो अकेला कर रहा था, बट अब उसको हेल्प करने के लिए और एक व्यक्ति आ चुका है, तो आधा काम ये कर रहा है, आधा काम वो कर रहा है, लोगों में काम बढ़ चुका है, एफिशिएंसी बढ़ रही है. यही अगर अपन देखें तो अगर तीसरा व्यक्ति अपन लेके आ जाते हैं, सो वो लोग और प्रोड्यूस कर सकते हैं, 330. और अब जैसे मशीन में चार लोग लग सकते हैं, सो हम लोग देखते हैं चौथा आके चारों मिलके क्या कर रहे हैं? 440. लॉजिकली जैसे जैसे हम लोग वेरिएबल फैक्टर, मशीन यहां पे क्या है? यहां पे मशीन इज व्हाट ओवर हियर? इज द फिक्स्ड फैक्टर. बट जो लेबर्स है यहां पे वो क्या है? वेरिएबल फैक्टर. आई बात समझ? सो इसके लिए इस फिक्स्ड फैक्टर पे वी कीप ऑन एडिंग व्हाट? द वेरिएबल फैक्टर. और इस वेरिएबल फैक्टर के वजह से जो आउटपुट अपने को मिलते जाता है वो चेंज होते जाता है. तो अपना आउटपुट किसके वजह से बदला? बिकॉज ऑफ वेरिएबल फैक्टर. इसलिए इस लॉ को क्या नाम दिया जाता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. बिकॉज योर आउटपुट इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स. आई क्या बात समझ में आपको? वेरिएबल फैक्टर के वजह से आपका आउटपुट बढ़ रहा है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं अपन? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. एनी डिफिकल्टी टिल हियर? नो. सो बट आप अगर इसमें देखोगे तो आपको मिलेगा क्या? सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट इज द टोटल प्रोडक्ट. द टोटल प्रोडक्ट इज 100, 210, 330, 440. कैन यू सी दिस? यस. फिर इसके लिए यहां पे हम लोग मार्जिनल प्रोडक्ट की एक एक्स्ट्रा लेबर को लाने से आपने कितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किया? तो कितना किया? 100, 110, 120, 110. करेक्ट है ना? और यहां पे आप अगर देखोगे एवरेज प्रोडक्ट, सो इट इज हाउ मच? 100, 105,
110, 120, गलत हो गया ना कुछ, 110, 110, हाँ 110. सो दिस इज वॉट वी टॉक अबाउट. यहां तक कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं. सो इफ यू फोकस केयरफुली व्हाट डू यू सी, मशीन की कैपेसिटी चार लोगों को ऑप्टिमम काम कर सकती है, चार लोगों के साथ. जैसे जैसे आप ये वेरिएबल फैक्टर ऐड करते जाओगे, क्या होते जाएगा, आपका आउटपुट बढ़ते जाएगा. और अब यहां पे चार लोग अपने पास आ चुके हैं, मशीन अपने फुल कैपेसिटी पे पहुंच चुका है. सो यहां पे आप अगर देखोगे, इस चार लोगों में आपकी जो मशीन है ये सब इक्वल प्रोड्यूस कर रहा है. एपी इक्वल है, एमपी इक्वल है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है. जमा के आपको यहां तक बोले यस और नो? यस. इफ यू ऑब्जर्व, यहां पे आप को दिखेगा कि पहले व्यक्ति के आने के से उसने ऐड कितना किया, 100. दूसरा व्यक्ति आया, उसने कितने ऐड किए, 110. बट यहां पे आपको दिखेगा एवरेज कितना आया, 105. व्हाई? बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो सरप्लस सेकेंड पर्सन ने जनरेट किया है, एवरेज के वजह से उसका शेयर पहले वाले व्यक्ति में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है. एवरेज लिया ना, एपी इज वॉट एवरेज, दैट इज द एक्सेस प्रोडक्शन इज गेटिंग वॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द वर्कर्स हु आर वर्किंग. मार्जिनल प्रोडक्ट इज वॉट अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेट एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट. उसने आने के वजह से कितना काम किया, बट यहां पे एपी इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट, डिविजन. तो इसके लिए वो सब में बटा जाएगा. देयरफॉर इवन दो सेकेंड पर्सन केम एंड एडेड 110 यूनिट्स, करेक्ट है ना, हिज एमपी इज 110, बट हिज एपी इज 105, बिकॉज हिज एक्स्ट्रा 10 गेट्स डिवाइडेड, 5 इज एक्स्ट्रा गिवन टू द फर्स्ट पर्सन एंड 5 ही कीप्स विद हिमसेल्फ, एंड देयरफॉर द एवरेज प्रोडक्ट इज हाउ मच, 105. आई बात समझ में आपको? बोले यस और नो? यस. सो दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. बराबर, दिस इज द फर्स्ट स्टेज. एनी डिफिकल्टी व्हाई एज टू द ऑपरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज? बोले यस और नो? इजी एकदम. यस. उसके बाद जब अपन आगे बढ़ते हैं, व्हाट हैपेंस इज, हम लोग अब शॉर्ट रन में है ना, हम लोग कहां पे है, शॉर्ट रन में. सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू ऐड द फिक्स्ड फैक्टर, बिकॉज वन फैक्टर इज व्हाट, फिक्स्ड, वी कैन नॉट चेंज. योर मशीन इज द फिक्स्ड फैक्टर, वी कैन नॉट कीप ऑन एडिंग द मशीन्स नाउ. डू यू अग्री? यस. सो व्हाट टू डू इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, व्हाट टू डू? सो वी आर लाइक, लेट्स डू वन थिंग, एड वॉट, लेबर. जगह नहीं है फिर भी एड करेंगे, वो ऊपर से काम करेगा, ये यहां चिपक के काम करेगा. बराबर, सब लोग मशीन पे काम करेंगे. आओ, प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा, बिकॉज वी आर एडिंग वॉट द वेरिएबल फैक्टर टू इट, मशीन इज फिक्स्ड फैक्टर. बट अब क्या होगा, आप समझने की कोशिश करो. वेन वी एड द फिफ्थ लेबर, वॉट विल बी द टीपी? कितना है? 520. प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बराबर क्या नहीं? सिक्स्थ को ऐड करेंगे तो भी प्रोडक्शन बढ़ेगा क्या? हाँ, कितना होगा? 600. सेवेंथ को ऐड करेंगे प्रोडक्शन बढ़ेगा क्या? 670. एट्थ को ऐड करेंगे प्रोडक्शन बढ़ेगा क्या? 720. बढ़ते जाएगा. नाइन्थ को ऐड करो, कितना? 750. प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा. बट आप समझो ना, अपन इतने लोगों को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ये इधर इसको सुला दो एक को, फिर यहाँ दूसरे को यहाँ पे लगा दो. बराबर, ये इधर से नीचे से हाथ लगा रहा है, लगाओ लोगों को, लगाओ, आप रोको मत अपने आप को, लगाओ. आप समझो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, बट जो रेट ऑफ इंक्रीज है ना, वो क्या हो जाएगा? इट विल बी व्हाट? लेस. यहां पे योर प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एट अ पॉजिटिव रेट. बराबर, एट अ मच फास्टर रेट. दो यहां पे योर प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग, बट द रेट इज व्हाट? मच स्लोअर. जमे क्या बात आपको? बोलो यस और नो? यस. सो अब अगर आप यहां पे एमपी देखोगे, कितना ऐड किया उसने, बोलो ना, 520 माइनस 440 इज हाउ मच? 80. उसके बाद 80,
70, 50, 30. You can see the extra production what is getting added is what reduced. क्योंकि वो मशीन की कैपेसिटी ही नहीं है ना. लोग टाइम पास करेंगे, आइडल टाइम होगा, रिसोर्स वेस्ट जाएगा. ये सारी चीजों के वजह से नाउ योर प्रोडक्शन गोज ऑन व्हाट? डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग. एनी डिफिकल्टी टिल हियर? इसका ही इंपैक्ट क्या हो जाएगा? आपके एपी पे आएगा. इसका इंपैक्ट आपके किस पे आएगा? एपी पे आएगा. एपी पे क्या इंपैक्ट होगा? और सेम वे में आप मुझे एपी के फिगर्स अगर बताओगे तो आपको क्या दिखता है? इट इज व्हाट? हाउ मच? 104. देन यू हैव 100. देन यू हैव 95. देन यू हैव 90, 83. यू कैन सी नाउ इन दिस पार्ट योर एपी इज व्हाट? हायर एज कंपेयर टू एमपी. व्हाई? बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन, ए एमपी इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट? एडिशन. स्ट्रेट ये व्यक्ति कितना ऐड कर रहे, कम कम ऐड करते जा रहे ना ये लोग. बोले यस और नो? बट भले ही इस व्यक्ति ने सिर्फ 30 यूनिट्स ऐड करे, व्हाई वी से दैट द एवरेज प्रोडक्शन इज 83? बिकॉज द सरप्लस ऑफ द अदर्स इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड विथ ऑल ऑफ देम, एंड देयरफॉर द नाइन्थ पर्सन ऑल्सो गेट अ शेयर इन इट. दैट इज द एपी. और पहले उन्होंने ऑलरेडी अच्छा खासा रिजर्व क्रिएट करके रखा हुआ है ना. बोलो यस और नो? फिर उसके बाद आप अगर मानोगे नहीं और आप अगर और लोगों को लेके आओगे, 10वां लेके आए, 11वां लेके आए, क्या हो जाएगा आपका? आपका टीपी कितना हो जाएगा? 760. सिर्फ कितना ऐड करेगा ये? 10. बट एवरेज कितना मिलता है उसको? देखो, 76. वाई 76? ये एडेड ओनली 10. अरे इनका जो इतना ये रिजर्व है ना बाकी सबका, उसमें उसको शेयर मिल रहा है. और अब अगर आप आखिरी में 11th को ऐड करोगे, ये हो गया 740. अब कितना हो गया यहां पे एमपी? -20. भले अब देखो -20 हो गया, बट एवरेज कितना हो गया? 67. ही इज एडिंग नो, बट स्टिल कैन वी से दैट एवरेज प्रोडक्शन इज हाउ मच? और 67. समझ रहे क्या बात को? सो एवरेज विल बी ऑन अ हायर साइड एज कंपेयर टू व्हाट? द मार्जिनल प्रोडक्ट. बिकॉज मार्जिनल प्रोडक्ट इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ व्हाट? एडिशन. वेर एज एवरेज प्रोडक्ट इज व्हाट? डिविजन. इट इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एवरीवन. बोले यस सर? नो. गिवन दिस, बराबर आप अगर डायग्राम ड्रॉ करोगे, सो योर टीपी कंटिन्यूअसली राइजेस, रीचेस द मैक्सिमम 10 पे, एंड देन इट स्टार्ट्स टू व्हाट? फॉल. आई बात समझ में? बोलो यस और नो? बट अगर आप ध्यान दोगे ना एकदम अच्छे से, चलो अभी नहीं, सो दिस इज योर टीपी. ओके, बोलो यस और नो? यस. देन व्हेन यू कंपेयर द फिगर विथ एपी एंड एमपी, शुरुआत में ज्यादा कौन है, एपी या एमपी? एमपी. बिकॉज मशीन अपने बेस्ट कैपेसिटी पे यूटिलाइज होने जा रहा है. बराबर कि नहीं? मशीन क्या हो रहा है बच्चों? अपने बेस्ट कैपेसिटी पे यूटिलाइज होने जा रहा है. सो एक्स्ट्रा एडिशन बाय एवरी इंडिविजुअल हु इज वर्किंग विल बी ऑन अ हायर साइड और अ लोअर साइड? हायर साइड. ही विल कीप ऑन एडिंग मोर एंड मोर. बराबर कि नहीं? सो देयरफॉर व्हाट हैपेंस, यहां पे हम लोग देखते हैं, योर एमपी इंक्रीजेस, रीचेस मैक्सिमम, एंड देन इट फॉल्स एंड बिकम्स व्हाट? नेगेटिव. बट अब अगर यहां पे आप एपी को देखोगे, सो एपी स्टार्ट्स ऑन अ लोअर साइड एंड इट कंटिन्यूज टू राइज. एमपी इज मैक्सिमम फर्स्ट एट 120. यू कैन सी एमपी इज मैक्सिमम फर्स्ट एट 120. एपी इज हाउ मच? स्टिल ऑन अ लोअर साइड. बट व्हेन एमपी स्टार्ट्स टू फॉल, इट इज इंटरसेक्टिंग विथ हुम? एपी. सो देयरफॉर व्हाट हैपेंस, इट रीचेस मैक्सिमम, इंटरसेक्ट एंड देन फॉल्स. बट स्टिल नाउ यू कैन सी एपी इज देन हायर एंड एमपी इज व्हाट? लोअर, रिफ्लेक्टेड बाय द डायग्राम्स. बोलो यस और नो? सो दिस इज योर कर्व फॉर टीपी, एपी,
एंड एमपी जमा क्या आपको? बोले यस सर, सिंपल। एनी डिफिकल्टी डिलीवर? नो। यहां पे आप अगर देखोगे थोड़ा ऑब्जर्वेंट का काम करेंगे, यहां पे अगर आप फोकस करोगे एकदम अच्छे से, स्केल लेते हैं यहां पे एट दिस पॉइंट, कैन यू सी योर एमपी इज मैक्सिमम? बोलो यस और नो। सो दिस पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू एमपी ऑन टीपी इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्यों बोलते सर उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? अगर मैं यहां पे स्केल रखता हूं, सी मैंने स्केल को ट्रांसपेरेंट कर दिया आपके लिए, अभी आपको क्या दिख रहा है यहां पे? टीपी जो इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट हो रहा था, अब क्या टीपी का कर्व नीचे गया है क्या? उस पॉइंट से वो नीचे गिरना शुरू हो चुका है, मतलब इट इज इंक्रीजिंग बट नाउ इट इज इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट। शुरुआत में इट वॉज इंक्रीजिंग एट ए इंक्रीजिंग रेट, यू कैन सी फ्रॉम द स्केल, बट आफ्टर दैट पॉइंट यू कैन सी इट नाउ स्टार्ट्स टू, कितना एक्यूरेटली आपको दिख रहा है देखो, इट नाउ स्टार्ट्स टू व्हाट? फॉल। बराबर के इट इज गोइंग टू इंक्रीज बट एट ए डिमिनिशिंग रेट, देयरफॉर दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सिंपल रीजन, बिकॉज नाउ फ्रॉम दैट पॉइंट द एडिशन विच यू आर गोइंग टू मेक, दैट इज योर एमपी, इज फॉलिंग। सो लॉजिकली योर एडिशन हो रहा है तो टीपी बढ़ेगा, बट एडिशन कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है ना, तो इसके लिए आपका टीपी बढ़ेगा, बट उसका स्पीड क्या होगा? कम होगा। देयरफॉर दैट पॉइंट, आई बात समझ में आपको? दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एंड व्हेन द पॉइंट वेयर योर एपी इज इक्वल टू एमपी, फोर यूनिट्स पे होता है ना ये, बोलो ना, वो 110 पे इंटरसेक्ट हो गए ना एक दूसरे को, उस टाइम पे अपना स्टेज वन खत्म हो जाता है एंड दैट स्टेज इज कॉल्ड एज स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। दिस इज द एंड ऑफ द स्टेज वन। बराबर कहने? सो ये जो आपका स्टेज है इसे अपन क्या नाम देंगे? स्टेज वन, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। समझा आपको लॉजिकली? एंड व्हाई इंक्रीजिंग रिटर्न्स? बिकॉज टीपी इज राइजिंग। बोले यस और नो? एमपी इज राइजिंग, इवन दो एमपी इज फॉलिंग बट इज स्टिल हायर देन एपी। बोले यस और नो? एंड देन इट इज व्हाट? एपी इज ऑल्सो राइजिंग थ्रू आउट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंक्रीजिंग रिटर्न्स। बट इफ यू कीप ऑन एडिंग द रिसोर्सेज, द वेरिएबल फैक्टर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? डेफिनेटली योर एमपी इज गोइंग टू फॉल बिकॉज मशीन फुल एग्जॉस्ट हो चुका है। अब उसके ऊपर और आप एड करोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा, बट वो आउटपुट कम मात्रा में मिलेगा। देयरफॉर नाउ एमपी स्ट्रेट वे शार्पली फॉल्स, एमपी गिर जाएगा सीधा, बट एपी गिरना शुरू हो जाएगा क्योंकि एमपी गिर रहा है, बट एपी हायर साइड में क्यों रहेगा? क्योंकि वो सब में बटेगा। बराबर के नहीं? इसके लिए एपी विल फॉल बट एपी विल बी ऑन अ हायर साइड एज कंपेयर टू एमपी, बिकॉज एमपी इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट? डायरेक्ट एडिशन। आप कितना डायरेक्ट ऐड कर रहे हो? यू आर एडिंग वेरी लेस, डायरेक्टली गिरेगा। बट एपी क्या हो रहा है? जितना भी ऐड किया, भले तुमने कम ऐड किया, और वो पहले का रिजर्व, वो सब क्या सब में बटेगा क्या? तो यहां पे इसको देखो ना, एक सिंपल एग्जांपल, इन भाई साहब ने तो ऐड भी नहीं किया कुछ, ये तो उल्टा लोगों का टाइम पास करा रहे, बट फिर भी एवरेज में कितना बोल रही है? 67। वाई? क्योंकि इसको इन्होंने जो ये रिजर्व क्रिएट करके, मतलब जो बेस क्रिएट करके रखा था ना, इसको 11th पर्सन को उसमें शेयर मिल रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ डिविजन। समझी क्या बात आपको? सो देयरफॉर हियर योर स्टेज वन इंक्रीजेस, बट देन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस? आपका एमपी गिरते जाएगा, गिरते जाएगा, गिरते जाएगा। बेचारा कितना गिरेगा? गिर गिर के हो गया क्या? जीरो। वो बोलता है अब मैं ऐड नहीं कर सकता साहब, अब ऐड नहीं होता मुझसे, थक गया मैं, क्योंकि मशीन अब ओवर एग्जॉस्ट हो गई ना, अभी एक भी यूनिट ऐड नहीं हो सकता। सो वो अपना हो जाता है क्या दोस्तों? बोलो ना,
वो अपना बन जाता है क्या, सेकेंड स्टेज. दिस इज द एंड ऑफ द सेकेंड स्टेज. जमी क्या बात आपको, दिस इज द एंड ऑफ द सेकेंड स्टेज कॉल्ड एस वॉट, द स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. वाई डिमिनिशिंग रिटर्न्स, क्योंकि एमपी गिर रहा है, एपी भी गिर रहा है और टीपी भी, इट इज इंक्रीजिंग बट एट अ फॉलिंग रेट. आई बात समझ में. एंड स्टेज थ्री इज देन कॉल्ड एस वॉट, नेगेटिव रिटर्न्स, क्योंकि अब एमपी गिर रहा है तो टीपी भी गिरना शुरू हो जाएगा. एंड यू कैन सी व्हेन एमपी इज वॉट जीरो, योर टीपी इज वॉट मैक्सिमम, क्योंकि अब इतना मैक्सिमम ऐड कर चुके हैं तो इतना टोटल प्रोड्यूस हो सकता है. बराबर के नहीं, आप कुछ ऐड नहीं करोगे तो इतना ही रहेगा. अगर आपका नेगेटिव हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, टीपी भी गिरना शुरू हो जाएगा. क्या एपी कैसे नेगेटिव होगा ना, एवरेज कैसे नेगेटिव जाएगा, एवरेज जाएगा नेगेटिव नहीं ना. जब तक आपका टीपी पूरा नेगेटिव नहीं जाएगा ना तब तक, और वहां तक अपन थोड़ी जाएंगे इतना, सही है ना. सो दिस आर द कर्व्स फॉर एपी एमपी एंड टीपी. एनी डिफिकल्टी? फिर इसमें एपी और एमपी में रिश्ता बनता, फिर क्या रिश्ता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. व्हेन एपी इज राइजिंग, एपी इज राइजिंग, एमपी इज ग्रेटर देन एपी. व्हेन एपी इज मैक्सिमम, एमपी इज इक्वल टू एपी. व्हेन एपी इज फॉलिंग, एमपी इज लेस देन एपी. हो गया. एनी डिफिकल्टी टू क्लियर? नो. आइडल प्रोडक्शन का स्टेज कौन सा होगा, स्टेज टू. स्टेज वन में रोकेंगे नहीं, स्टेज थ्री में जाएंगे नहीं. सर स्टेज टू में कहां रोकना, उसके लिए पढ़ना पड़ता थ्योरी ऑफ कॉस्ट. जहां पे कॉस्ट मिनिमम होगी वहां पे हम लोग प्रोड्यूस करेंगे. आई बात समझ में. इन द लॉन्ग रन व्हाट हैपेंस, ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल, करेक्ट है ना. सो आई हैव ओनली थ्री सिंपल स्टेजेस, स्टेज वन, स्टेज टू एंड स्टेज थ्री, दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कॉन्स्टेंट रिटर्न्स एंड. इसमें मेरा आउटपुट बढ़ेगा बट द प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट विल वेरी. इफ द आउटपुट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट इज कॉल्ड एज वॉट, इंक्रीजिंग रिटर्न. इफ द आउटपुट इंक्रीजेज एट अ कॉन्स्टेंट रेट इट इज कॉल्ड एज वॉट, कॉन्स्टेंट रिटर्न्स. बट इफ आउटपुट इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट, आउटपुट इज गोइंग टू इंक्रीज बट एट अ डिक्रीजिंग रेट इट इज कॉल्ड एज वॉट, डिमिनिशिंग रिटर्न्स. दिस इज द डायग्राम फॉर वॉट, माई लॉन्ग रन, दैट इज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. इसी के साथ थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन अपना खत्म हो जाता है. यस ओके थैंक यू.